हाय भाई लोग, कैसे गए? इतना बियर काफी है ना? तेरे लिए तो बहुत ज्यादा है, इसे तो ढक्कन सूंघ के चढ़ जाती है। अपना स्टाइल है रही है। अरे तेबग, रजनी का टी शर्ट पहन के उसी का पोज में खड़ा है, खुद को हीरो समझता है क्या? स्टाइल मानना छोड़, पॉकेट कहाँ है? आज भी हम लोग के पैसे इसी पिएगा क्या? पॉकेट वाली टी शर्ट लाने की औकात कहाँ है? गरीब फुकरा बेरोजगार, याद है ना, हम सभी को 200 रुपए देने थे। अरे फाइनेंस मिनिस्टर, न्यू ईयर में 200 का न्यू नोट दूंगा। और अगर नहीं दिया तो? नहीं दिया तो उसे नए साल का नया एक्सपीरियंस समझ लेना। चीयर्स। अब हम भुकेटियों की दोस्ती के नाम। और आज शाम का पहला जाम। ए, कल से न्यू ईयर है, कल से तो इसे छूना भी पाप होगा। वैसे भी दारू से अपनी रेपुटेशन की वाट लग गई है। एक बार को जान चली जाए उसकी परवाह नहीं है, पर कैरेक्टर पर दाग नहीं लगना चाहिए। अरे आपने को कैरेक्टर का स्पेलिंग भी आता है क्या? गुड क्वेश्चन। कल से नई शुरुआत, नए सपने और एक नई सोच होगी। बस अपने फैमिली को हर हाल में खुश रखने का, अपनी लाइफ बदलनी है। जिस दिन अपन इस दुनिया से जाएगा ना, प्यारे शहरवासियों, देश के सबसे बड़े उद्योगपति और हम सब के आंखों के तारे कुमार केशवन की आज सवेरे दिल का दौरा पड़ने से दुखद मृत्यु हो गई। अगर 5 साल और वो जी लेते तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हो जाते, हमारे भी अच्छे दिन आ जाते। तो आप सब लोग आज शाम को उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए अवश्य आइए। अपन देश का प्राइम मिनिस्टर बन के मरना चाहता है। आज का MLA अपना मुर्गा, मेरे को तेरे लिए नारे लगाते हुए देख रहा था, बराबर ना? सपने में भी मेरा प्रमोशन नहीं करता है, खाली अपने पार्टी का प्रमोशन करवाता है। शपथ लोगी कल से दारू नहीं पियोगे? शपथ बाबू की कसम। ये बता, ये पॉलिटिशियन बनने के बाद तू क्या कमाल करके दिखाएगा? मैं तो नेता बन के लोगों की सेवा करूंगा। तू क्यों पूछ रहा है? अपन भी नेता बन के तेरी तरह सबकी सेवा करेगा, सबका लोन माफ करके। उससे पहले मेरे 300 वापस दे देना। अरे उस दिन फिल्म दिखाई थी ना तेरे को, और वो समोसा भी खिलाया था, उसमें फिट तू सो क्या? ए, सबसे पहले अपने माँ बाप को फोन करके अपनी गलतियों की माफी मांग लो। वो डांटे या गाली दे तो बिल्कुल बुरा मत मानना। सबसे पहले अपन फोन करेगा। क्या है? पापा, कल से दारू बिल्कुल बंद। सच में? आपके सफेद बालों की कसम। तेरा लाडला। क्या है? आज के बाद दारू नहीं, सिर्फ आपके हाथ की कॉफी पीऊंगा माँ। आप कहेंगी तो कॉफी भी छोड़ दूंगा। हाँ, मैं सुधर गया हूँ माँ। ससुर जी, क्या है? आपके टकले खोपड़ी की कसम खाता हूँ, आज से दारू को सूंघूंगा भी नहीं। अभी आप चप्पल अपने पैर में पहनना, मेरे सिर पे मत मारना। सुनकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू ससुर जी। क्या भटके हुए युवाओं के लिए खुद को एक मिसाल बनाएंगे। समाज सुधारक कमेटी की ओर से सब कुछ चीयर्स। आज के बाद अपनी दारू एकदम बंद। 3 सालों से इसी कसम का एक्शन रिप्ले कर रहे हैं, लेकिन ये अपने गले के नीचे उतर ही जाती है। सही बोला, और यही हमारी खूबी भी है और कमजोरी भी। अब क्या करें, पूरी दुनिया ही बिगड़ी हुई है। अरे हम तो सिर्फ 10% बिगड़े हुए हैं, ये भी तो एक तरह की खूबी हुई ना यार। साल को गुड बाय बोलने के लिए गुड बॉय बनेंगे। अपन अगली जनरेशन को दिखाएंगे कि लाइफ कैसे जीनी चाहिए। उन लोग को कुछ मालूम ही नहीं है। और क्या? आज के शुभ विचार, समय का सदुपयोग करना चाहिए। विचार तो बहुत ऊंचे हैं, पर तुम तो निठल्ले घूमते हो। अरे किसने कहा निठल्ला हूँ? लड़के नापता हूँ, गले की सर्विसिंग करता हूँ, माँ बाप का फोकट ज्ञान झेलता हूँ। देखना, अगले चुनाव में खड़ा होऊंगा और काउंसिलर बनूंगा। अच्छा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे? लगा दिया, मिल गई कलेजे को ठंडक। खुद ने क्या इंडिया का प्रेसिडेंट बन के माँ बाप का सीना चौड़ा कर दिया। माँ की बनाई फोकर की कॉफी पियो और फोटो यहाँ से समझे। तुम इसे कुछ समझाती क्यों नहीं हो? कुछ नहीं होने वाला इस निकम्मे का, आप भी सर मत खपाओ। लो, हुनर धुल गया। ए मम्मी, पानी गर्म नहीं कर सकती थी क्या? अच्छा बाथरूम से साबुन ले आना, एक बना लेता हूँ। तू किसी काम का नहीं है। डालो में इमोशंस लाओ। दहेज में पापा ने बाइक दी है,
शादी को 2 साल हो गए, पेट्रोल के पैसे भी वही देते हैं। मूंछों को ताव देना बंद करो। अभी मेरी मूंछों को भी नजर लगाएगी क्या? सुहागरात को तो शर्म के मारे आवाज नहीं निकल रही थी, और अभी तू और तेरा बाप हर रोज मेरे को मेरी औकात दिखाते हो। वो तो मेरी शराफत है कि मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। अब चल पॉकेट मनी का पैसा निकाल। 25 की उम्र में बच्चों की तरह पॉकेट मनी लेते हो, लो। क्या हुआ बेटी, अब तक आवारागर्दी करने नहीं गया? अभी रवाना करती हूँ, चलो जाओ निकलो। दुनिया किक से बाइक स्टार्ट करती है, पर ये मेरे को लात से स्टार्ट करती है। नालायक गधा, न जाने किस मुहूर्त में दामाद बना। मम्मी भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। सावित्री, इस निठल्ले को एक भी निवाला खिलाया तो मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगा। सुना माँ, अन्नदाता की धमकी, ऐसे घर में खाना नहीं खाऊंगा जहाँ इतने खड़ूस लोग रहते हैं। तुम नाश्ता पैक कर दो। माइंड इट, बी कलरफुल। इंग्लिश स्पीकिंग क्लास है, कमाई का रोब झाड़ रहे हैं। जब मैं पैसे कमाऊंगा ना तो बारिश होगी पैसों की इस घर में। लुंगी भी सिल्क की पहनेंगे। क्या भिखारियों जैसी बातें करते हैं। ये खाना नहीं देंगे तो मैं खुद नहीं ले सकता है? माँ क्या मस्त इडली बनाती हो तुम। हाँ गया से। थूक गर्मा गर्म है। क्यों, जानते नहीं थूकना गलत है? वैसे भी जहर भरा होगा थूक में। माँ घर में एक नाग है, मिनिस्टर बनूंगा ना तो आप ही को पहले अरेस्ट करवाऊंगा। पापा खाना खा लिया? यस कंजूस ने तुझे भी नहीं खिलाया। कोई बात नहीं, मेरे साथ खा। खा ले पापा, माँ ने बनाया है। केशव के पापा और मुर्गन के पापा एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। किसी जमाने में जिगरी दोस्त हुआ करते थे। इनके दुश्मन बनने की वजह इनके बेटों की दोस्ती। वैसे बचपन में अपने बेटों की तरह ही ये भी लंगोटिया यार थे। श्रीनिवास हर रोज एक बात क्यों समझानी पड़ती है? बेटे को कंट्रोल में रख, मेरे बेटे को बिगाड़ रहा है। चिदम्बरम उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। दोनों बेटे रजनी रंगा फैन क्लब के मेंबर हैं और मस्त में अपनी जिंदगी जीते हैं, पर इनके बाप दोनों को अलग करने के नए नए तिकड़म लगाते हैं। तो उधर बेटे भी प्लानिंग में लगे हैं कि कैसे उनके बापू की लाइफ लॉन्ग दुश्मनी कायम रहे। यही चे सच्ची मैत्री। घर पर बाप भाई नहीं है क्या? ये दोस्ती के लिए इतनी लाइन पे चलते हैं कि लाइन देने वाली को भी लाइन नहीं देते। देखते हैं इस त्याग का क्या अंजाम होता है। तेरा बाप है तो क्या हुआ, इज्जत का कचरा करेगा? और तू कैसा सह लेता है रे? सीधा पलट के जवाब देने का ना। लाइफ में बड़ा आदमी बनना हो तो छोटे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। हाँ लेकिन भले हम कुछ बड़ा नहीं कर पाए, लेकिन हमारे घर वाले हमें नीचे से भी नीचे लेवल का समझते। दिल दुखता यार मेरा। जब रात को सोओगे ना तो भी पैर हिलाते रहना, वरना घर वाले मुर्दा समझकर जला देंगे तुझे, और फिर खुद जाकर नाच गाना करेंगे। मेरे घर वाले मेरे खाने में जहर मिला देंगे, इसलिए खुद खाने से पहले कुत्ते को खिलाता हूँ। समझा, कुत्ता बच गया यानी खाना सेफ है। अपन के घर पे तो कुत्ते का खाना अपन टेस्ट करता है। अरे यार धोबी का कुत्ता भी अपने से अच्छा है, कम से कम उसके पास घर के अलावा घाट का तो ऑप्शन होता है। अरे यार फेर बजा। ए सुन रे, फोन उठा के बोल दे मैं किसी जरूरी काम में बिजी हूँ। हेलो सर, कह रहे हैं कि वो अभी बात नहीं कर सकते, अभी वो प्लेटफॉर्म के फर्श को लेट के गरम कर रहे हैं। उनके साथ बात करनी है ना तो सीएम साहब की मंजूरी लेके आओ। हैं? अरे ये माँ बाप अपनी महानता नहीं समझते हैं। एक बार म्यूनसिपालिटी इलेक्शन होने दो। बड़ी बड़ी बातें करो, इलेक्शन में खड़े होंगे तभी तो जीतोगे ना। ये बात तो है, सही बोल रहे हैं। अगर इलेक्शन में खड़े हुए तो कितने वोट मिल जाएंगे? लाख रुपए का सवाल पूछा है। 3 मेरे घर से, 4 इसके घर से, और हम 3 तो हैं। 10 वोट तो कंफर्म है अपने। खिसक गया है क्या? अपने माँ बाप मर जाएंगे पर अपने को वोट नहीं देंगे। ये दोनों भी किसी काम के नहीं है, यानी बचे 2, एक तेरा वोट और एक अपन का। 2 से शुरू करते हैं, बाकी टैलेंट के दम पर 2 लाख तो हो ही जाएंगे। हेलो माय डियर वोटर। पांडे जी तुम्हारे एरिया में आ रहे हैं, जल्दी पहुंचो। एमएलए के चमचे का फोन था। 3 साल बाद अचानक याद किया। चलो आज की दारू का तो हो गया। हमारे दिलों में राज करने वाले महानेता, आपके सुख के लिए अपना सुख त्यागने वाले, अपना लहू बहा के भी आपके हितों की रक्षा करने वाले ईश्वर के अवतार घनश्याम पांडे जी के लिए जोरदार तालियां। क्या
देखो फूलों वाली साड़ी में एक दादी बैठी है, उसका नाम पता करो और उस टोपी पहने बुढ़े का भी पता लगाओ। जाओ जल्दी करो। जाओ ए लक्ष्मी मौसी, कैसी हैं आप? आजी खूब बेटा। ए मथुरा, और बता सब अच्छा है ना? पांडे जी सब एकदम बढ़िया। यहाँ सामने बैठे सभी लोग मेरे समर्थक नहीं बल्कि मेरे जिगर के टुकड़े हैं। यहाँ हर एक आदमी कृष्ण है और हर माता और बहन माँ दुर्गा और सरस्वती। आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपकी खुशी के लिए हर कोशिश करूंगा। आपकी हर समस्या मेरी समस्या है, आपका हर दुख मेरा दुख है। अगर आपकी आंखों से एक भी आंसू छलके तो उसे पोंछने के लिए मैं खुद चलाऊंगा। आखिर आपका सेवक हूं। झूठे के लिए इतनी पब्लिक जमा कर ली है तो अपन के लिए तो अपन कर ही सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हिंसा से मुकाम हासिल होता है और महात्मा गांधी ने कहा कि हिंसा से क्रांति लाई जा सकती है। कल शांति के साथ घूम रहा था, आज क्रांति की बातें कर रहा है। हम सबको कदम से कदम मिला के समाज को नई ऊंचाई पर ले जाना है। हम देश से टेररिज्म और करप्शन को मिटाकर ही दम लेंगे। जिसने इसका भाषण लिखा है वो मिल जाए तो उसके हाथ तोड़ दूं। हमारे देश के नालों को सुधारने के लिए मैं स्विट्जरलैंड के नालों को देखने के लिए गया, यहाँ तक कि थाईलैंड और बैंकॉक भी गया। आपको साथ में लेके नहीं जा सकते थे क्या? बोल रहा है इसकी बातों से तो कैरी भी पक्के आम बन जाएगी। हमारी तरह हर इंसान को अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए। अपन ने लाइफ में इतनी गलतियां कर ली कि दूसरों को भी सिखा सकते हैं। अपोजिशन ने चुनाव जीतने के लिए आपको कैश देके वोट खरीदने की कोशिश की या बंदूक दिखा के वोट मांगा, लेकिन आपने उन्हें मना करके अपनी खुददारी और वफादारी का परिचय दिया। अपोजिशन से डबल पैसा जो दिया वो भी खंबे के साथ। शहर हमारी पार्टी का असली कर्म भूमि है, इसलिए आज तक अपने शहर का भला नहीं हो पाया। इस शहर का विकास होगा। यहाँ नए स्कूल खुलेंगे, बड़े कॉलेज और हॉस्पिटल इसी शहर में बनेंगे। ये मेरा और हमारी पार्टी का वादा है आपसे। चुनाव जीतते ही हम आप सबका भविष्य और सुनहरा कर देंगे। इसी वचन के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद। नसीब अपना भाषण खत्म हो गया। ये सब अचानक भाग के कहाँ जा रहे हैं? उन्हें अपनी पेमेंट नहीं ली सर। मतलब सब भाड़े के टट्टू थे? फ्री में तो आजकल घर वाले नहीं आते, कैश और खम्बे के लिए आए थे ये लोग। ए चलो चलो रास्ता दो, चलो जल्दी। अरे एक मिनट, अरे सर क्या सर, थोड़ा साइड बैठो ना, मेरे को खड़ा रहने के लिए जगह चाहिए। ये डिलीट। मैं तो मोबाइल में लड़की का फोटो भी नहीं रखता, तो इसका काई को? दारू का पैसा दे। हेलो, हम टोटल 5 लोग हैं, 2,500 रुपए होंगे। भाषण किसी चित्रपट के डायलॉग राइटर से लिखवाया है क्या? भाषण सुना के टॉर्चर कर डाला, अगली बार डबल पेमेंट होना चाहिए। वरना उसे झेलने के लिए हॉस्पिटल से ग्लूकोज चढ़वाना पड़ेगा। हेलो अंकल, 28 है। एमएलए ने तो बताया था 31 है। क्या चूना लगाता है यार। 13 सिल्क, 12 कॉटन और 6 पॉलिएस्टर, टोटल हुए ना 31। कितने शाने लोग हैं, सब कुछ पहले से ही लिख के रखा है। वो क्या है ना कि फोटो खिंचवाने के बाद कुछ लोग शॉल लेकर चले गए, इसीलिए कम हो गई। उन्हें कितनी बार याद दिलाया कि अब वो एमएलए नहीं रहे, हर रोज भूल जाते हैं, बेइज्जत होने के लिए असेंबली चले जाते हैं। अरे पिछले 5 साल में वहाँ जाने की आदत पड़ गई होगी। भाई साहब जरा शॉल दिखाएंगे। हाँ ये दिखाओ, ये महंगी रेंज वाले हैं। देखा, सेकंड हैंड माल चिपका रहा है। क्या करना है सबको, चलते हैं। हाँ ठीक है, वापस जरूर आना। चलते हैं। अब ये शॉल पहना के किसका सम्मान करें? बेटा कई साल हो गए इस बार को खोले, पहली बार किसी ने मुझे शॉल ओढ़ाई है। ईश्वर तुम्हें तरक्की दे। शॉल उड़ा के उसे लपेटे में ले लिया। 2 वोट और मिल गए, टोटल 4 हो गए। एक मिनट, अपने पास एक शॉल और रखी है, ये देख। थैंक यू भैया। ठीक है ठीक है। इसको शॉल काय को दिया यार? अबे इलेक्शन आने तक 18 का हो चुका होगा, एडवांस बुकिंग यार। देखने से लगता नहीं कि तू इतना स्मार्ट हो सकता है। 3 बियर लेके आ रहे? बियर नहीं है। 10 रुपया एक्स्ट्रा दूंगा। अरे अभी लेकर आया। हाँ चल अब जल्दी ला। SM फोन मिलाई कॉलिंग। हाँ यहाँ सब ठीक है, सिग्नल क्लियर। ओके ए, चाहो तो अपन की हालत पे हंस सकते हो। प्लीज यार कुछ तो बोलो। क्या हुआ वो तो पूछो यार। क्या हुआ? ये 1988 की बात है। कुछ ज्यादा ही रिवाइंड कर दिया। जनवरी का महीना,
पोंगल का त्योहार चल रहा था। पूरा गांव जश्न में डूबा हुआ था। मेरी माँ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर माई नेम इज बिल्ला देख रही थी। हीरो की एंट्री हुई और मेरी भी एंट्री हो गई। मेरे यार, अपना दुखड़ा सुना रहा है या हमें दुखी कर रहा है? सीधा सीधा पॉइंट पे क्यों नहीं आता? चल अब फुटेज मत खा, आगे बोल। हाँ। जिस दिन अपुन ने दुनिया में कदम रखा, उस दिन से अपुन के बाप ने हिसाब रखा अपुन पे खर्च किए एक एक पैसे का। और तो और, उन्होंने उस डायरी की कीमत भी उस हिसाब में जोड़ दी थी। लेकिन असली मैटर आगे है। आ तो बोलता रहे। यूनिफॉर्म से लेकर चड्डी बनियान तक, टिफिन में रखी हर एक इडली तक, स्कूल से लेकर ट्यूशन फीस तक, जितना पॉकेट मनी दिया था सब लिख दिया है। और ये बात हमसे छुपा कर रखी, लेकिन आज सुबह बॉम्ब फोड़ दिया। घर जल्दी आ जाना, लड़की वाले देखने आ रहे हैं। क्या कहा आपने? आप दूसरी शादी कर रहे हैं? वो लड़की वाले तो मुझे देखने आ रहे थे, पर मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। तो फिर? हाँ, तो अपन ने मना कर दिया। वो दहेज में 50 लाख कैश, 50 तोला सोना, साथ ही नई बाइक भी दे रहे हैं। और मैंने उनसे 10 लाख एडवांस भी ले लिया है। आपने उन लोग से एडवांस लिया? मैंने तो मुंह पे मना कर दिया। पर काई को? 7 लाख ठुकरा दिए। ए, पैसा जरूरी है अपने लाइफ का सपना? ऑफ कोर्स पैसा। कर। फिर बातचीत वर्ल्ड वॉर में बदल गई। आगे क्या हुआ? मैं शादी नहीं करूंगा। तो मेरे 22,64,555 रुपए 25 पैसे लौटा दे। उन्होंने बोला तो तू पैसे ला कर दे। एक सेकंड तो कुछ समझ में नहीं आया, तभी उन्होंने अपनी डायरी वाले राज को खोला। पूरी 25 डायरी थी यार। अपन का तो दिमाग खराब हो गया। ये उधारी तो चुकानी होगी। केशव, तेरे लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार। अब तू रहेगा कहाँ? यहाँ तो कोई मुफ्त की धर्मशाला भी नहीं है। तेरे कमरे में रहूंगा ना। लगता है वो तेरा सगा बाप नहीं है। सही बोला, होता तो ऐसा थोड़ी ना करता। अरे बाप ने जो किया वो किया, लेकिन तेरे को इतना गुस्सा कहीं को आया? तुझे कब से खुददारी और ईमानदारी के कीड़े ने काट लिया? हा? एक नंबर का डरपोक, घर छोड़ने की हिम्मत किया? दुनिया का 8वां अजूबा ही है तू। अपन का भी मार्केट में रेपुटेशन है। रेपुटेशन की बत्ती बना के पॉकेट में रख। देख, तेरी बोरिंग स्टोरी सुन ली, अब मेरी इंटरेस्टिंग वाली सुनना। मेरी ट्रेजेडी तुझे कहानी लग रही है? अरे यार, कोई मामूली कहानी थोड़ी है, मैं तो इस पे किताब लिखूंगा। अब मेरी कहानी सुनना। अच्छा, तो तेरी भी वर्ल्ड में आने की कोई कहानी है क्या? वर्ल्ड में आने की स्टोरी नहीं, आउट ऑफ द वर्ल्ड लव स्टोरी है। अच्छा, दुकान वाली है। भैया, हेलो भैया। उस स्ट्राइप शर्ट वाले, शर्ट उठाने में मेरी मदद करेंगे प्लीज? अरे इधर आना, जरा लेवल पर आ। मेरा नाम भैया नहीं है, मुर्गन है। अब वापस अपनी जगह पे जाके मुझे अपने नाम से बुला। शक्ल मुर्गे जैसी, नाम मुर्गन। मुर्गन, मुर्गन। यस माय डियर। शटर उठाने में मेरी मदद करेंगे प्लीज? क्यों नहीं, ये तो मेरा फर्ज है, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। तुम्हारा नाम क्या? बेबी। किसकी बेबी? मेरा नाम, मेरे फ्रेंड्स मुझे बेबी के नाम से बुलाते हैं। सलवार कमीज में बेबी डॉल। तुम्हारा नाम सुन के गाना याद आ गया मुझे। कौन सा गाना? याद नहीं आ रहा, किस फिल्म का है? अरे तो फिर छोड़ो उस पिक्चर को, मेरे साथ पिक्चर देखने चलोगी? कॉर्नर सीट पे पॉपकॉर्न भी खिलाऊंगा। शटर खोलने के लिए थैंक्स। अगले दिन फिर मुलाकात। जरूर उसने लात मारा रहेगा। पेट्रोल खत्म हो गया? प्यास लगी थी इसलिए पेट्रोल मैं ही पी गया। लिफ्ट चाहिए? ज्यादा फ्री हो रही हो। तुमने शटर लिफ्ट किया, आज मैं तुम्हें लिफ्ट दे देती हूँ। हाँ, आज लिफ्ट दोगी, कल फिर अपना दिल दोगी। पागल कहीं का। अरे रुको रुको रुको, लिफ्ट चाहिए? पिक्चरों में तो बोलते हैं कि लड़की हंसी तो फंसी। आगे देखो ना, मेरा थोबड़ा क्या देख रही हो? गिरे तो बिगड़ जाएगा। घबराओ मत, मैं तुम्हें जानबूझकर गड्ढे में नहीं गिराऊंगा। अरे लड़की के चक्कर में न जाने कितने लड़के बर्बादी के गड्ढों में गिर के अपनी लाइफ खराब कर चुके हैं। बेचारे लड़के। हाँ यार, फिर भी हम ही बदनाम होते हैं। हुँ, 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 हुँ,
सुनो, 100 रुपए का पेट्रोल डाल देना और पैसे भैया दे देंगे। फिर से भैया? मैं तो अपनी बाइक में 50 का डलवाने वाला था, इससे क्या पता 100 में कितनी दारू आ जाती। ये लो। चिंता मत करो, पैसे लौटा दूंगी। समंदर में फेंका पैसा और लड़की को दिया उधार कभी वापस नहीं आता। ओह, ऐसी बात है, काफी एक्सपीरियंस्ड हो। समझ में नहीं आ रहा, चाहती क्या भैया बनाना या सैया। बाय। हाँ बाय बाय। अरे ये तो अखियों से गोली मार रही है। थैंक्स बॉस। सर पैसे? अबे तू मेरी गर्लफ्रेंड को ताड़ रहा था ना, बस हिसाब बराबर। अरे पर वो तो आपको भैया बुला रही थी। अरे वो तो यूपी से हूँ ना। अरे आज नए बंदे से शटर खुलवा रही है, यानी इसका रोज का रूटीन है। पता करना पड़ेगा चक्कर क्या है। 5 बजे कॉफी। क्या कहा? मैंने कहा इसकी 5 जेरोक्स कॉपीज चाहिए। दुकान को रीडेवलपमेंट की जरूरत है। ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट, मैं हर जगह हैंडसम ही लगता हूँ। चुपचाप से अपने पैसे लो और निकलो यहाँ से। ये लो पेट्रोल के पैसे। अरे वह चखने का तो हो गया। बुरा ना मानो तो कुछ कहूँ? तुम कितनी खूबसूरत हो, कितनी सुशील हो। तुम्हारे लिए मेरा दिल रेलगाड़ी की तरह दौड़ता है। ऐसा अगर कोई कहे तो उसकी बातों में आना मत प्लीज। माँ बाप जो लड़का पसंद करेंगे वही सबसे अच्छा होगा। शायद तुम्हें भी पसंद आ जाए, लेकिन उसके चक्कर में भी मत पड़ना। एक ही लड़का है जो तुम्हारे लिए सही है, मुरुगन, व्हाइट तिलक वाला। नॉर्मली तो लड़कियों को देखकर शराफत से नजरें झुका लेता हूँ, लेकिन तुम्हारे चेहरे से नजरें हटती नहीं। सड़क छाप रोमियो की तरह डायलॉग्स मार रहे हो। अरे ये मेरे दिल से निकली ओरिजिनल लाइंस हैं। और मेरे दिल से अभी गालियां निकल रही हैं। मेरे पापा भी आने ही वाले हैं। उनकी एंट्री यानी मेरी एग्जिट। पापा को मेरा हेलो बोलना। अच्छा अपनी माँ से कहना कि तुम्हारी नजर उतार दे। क्यों? क्योंकि मेरी नजर तुम पे पड़ चुकी है। घर जाकर पूरे चेहरे पर विभूति लगा लेना। अरे उससे तो चुड़ैल पास नहीं आएगी। यानी मैं? कुछ भी, चुड़ैल को डायरेक्ट चुड़ैल थोड़ी बोल सकते। व्हाइट तिलक वाला मुर्गन, डैशिंग, स्मार्ट, हैंडसम। मेरे को ना दो दोस्तों की कहानी याद आ गई। एक प्यार की गहरी खाई में गिर गया और दूसरे ने किसी आदमी को टपका डाला। तो चलो बताओ दोनों में से ज्यादा दुखी कौन है? वही जिसने खून किया। अरे नहीं रे बाबा, उसको तो फांसी हो गई, लेकिन प्यार करने वाला जिंदगी जीना भूल गया। अब तू अपना दोस्त नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहा है? तूने कहा था कि प्यार नहीं करना चाहिए, लड़की अपने में दरार लाएगी, और अब पार्टी बदल दी। हाँ तो तूने भी तो कहा था ना हर वोट मायने रखता है। मैंने भी एक वोट पक्का कर लिया, लव के बदले वोट। और उसकी फैमिली भी बड़ी है, सब तुझे ही वोट करेंगे। ए, कितनी लड़कियां अपन पे लाइन मारती हैं, तेरे जैसा अपन उनके पीछे लाइन नहीं लगाता। अच्छा कॉमेडी, याद है सिंदरू, लड़की ने से एड्रेस मांगा था और इसने उसे आई लव यू बोल दिया था। मुझे मारा, हिम्मत है तो फिर से मार। अरे क्या कर रहा है? ये बंदर की तरह मुलाल क्यों हुआ पड़ा है तेरा? अरे सुनती हो, आज कुछ खास लाया हूँ। क्या है? ब्रिजभूषण की मिठाई। आज अचानक मिठाई क्यों? खुशी वाली बात है इसलिए। ये ले मुंह मीठा कर ले। किस खुशी में? आज मेरा दिल बहुत प्रसन्न है और मेरा मूड बहुत खराब है। उस केशव से झगड़ा हुआ ना? आप जाइए। अरे मिठाई तो देके जाइए। ले पूरा खा ले। अरे भगवान, आज स्टेशन पे एक फाइट सीन देखा, अंदर चल बताता हूँ। अरे तू चलता है मुझसे? मुझ पर हाथ उठाए तूने? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई? बुरा होगा, क्या करेगा? अरे छोटा यार, क्या कर लेगा तू? दोस्त है अपन लोग, क्या कर रहे हो? हाथ मत लगा, हाथ मत लगा मुझे, मैं दोस्त का भूल गया। चलो पहले यहाँ से। अरे कह रहा हूँ, छोड़ से, तू चल मेरे साथ, चल मेरे साथ।
धक्का मारा तो दूसरे ने धक्का मार के जवाब दिया। बच्चों की तरह लड़ रहे थे, हवा में घूसे मार रहे थे और धक्कन धुक्की चल रही थी। पता नहीं क्यों लड़ रहे थे, लेकिन अच्छा हुआ कि पीछा छूटा। अरे छोड़ दे उसे। ए, आज से तेरे साथ अपन की दोस्ती खत्म। अबे तेरे जैसा दोस्त चाहिए भी नहीं। अरे चुप करना। देखो जी, मंडे को नाश्ते में मैं स्टीम इडली, बटाटा वड़ा, साथ में नारियल की और लहसुन की चटनी बनवाता हूँ। ज्यादा नहीं, बस 8 इडली और 6 वड़े खाता हूँ। हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा लाइट खाना खाना चाहिए, समझ गए ना। ट्यूसडे को सिर्फ 5 प्लेट छोले भटूरे खाता हूँ। वेडनेसडे को 5 केले, 2 आम और उसमें बादाम डलवा कर मिल्क शेक बनवाता हूँ। फिर उसे एक ही घूंट में गटागट पी जाता हूँ। क्या है प्यारे लाल जी, फल फ्रूट खाने से इस उम्र में मेरी जवानी, मेरी त्वचा, चेहरे पे लाली, आंखों में रोशनी, कुल मिलाकर सब कुछ चकाचक। अब आया थर्सडे। फिटनेस डे के बाद नाश्ते में 6 आलू के पराठे मक्खन में डुबो के और फिर 2 ग्लास लस्सी डाल के हजम कर देता हूँ। आप तो राजाओं की तरह जीते हैं। मेरा मानना है कि 50 की उम्र तक खूब मेहनत करनी चाहिए और पैसे बनाने चाहिए और अपने लिए पैसे बचाने भी चाहिए। बच्चों को आपसे उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि जिंदगी पर आप उन्हें पालेंगे, आखिर वो भी तो कुछ करें। खुद को राजा समझते हैं और बेटा बाहर भटक रहा है। क्या रे केशव, देखो नौकरी मिल गई क्या? क्या बोलता है, मतलब आज की पार्टी तू देगा? ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर ठीक है, अभी भी अपनी बिरादरी का है, लेकिन ये इतना हार फूल पहन के काहे के लिए आए? जो हुआ उसके लिए बुरा लग रहा था, इसलिए मंदिर जाके आ रहा हूँ। अच्छा, तो मुर्गन को लड़की मिल गई इसलिए तू भी अपने लिए ढूंढने गया था? मुर्गन पर हाथ उठाया इसीलिए मुर्गन के मंदिर गया था। जब वहां पहुंचा, चढ़ावा देने वाले का नाम मित्रा महेश्वरी। तुम्हारी आग तो फड़फड़ा रही है। ओहो पंडित जी, क्या बताऊं, 3 दिन से मेरी आग फड़क रही है। अच्छा है या बुरा, लगता है मेरी सुंदर आंखों को किसी की नजर लग गई है। माँ ने कहा आपसे पूछ लूं। विटामिन ए की कमी होगी, पंडित के बजाय डॉक्टर को जाके मिलो। आयुष्मान बाबा। अरे 500 का नया नोट डाल दिया स्वामी जी। सदा खुश रहो स्वामी जी। भक्ति में इतना खो गया कि 500 का नया नोट डाल दिया। वो नोट लेके 100 रुपए का नोट रख लीजिए ना। नॉट पॉसिबल, पैसे दान पेटी में डाल चुका हूँ। तो 200 रख लीजिए, 300 तो लौटा दीजिए ना। नहीं हो सकता बेटा। स्वामी जी रिक्शा के लिए 50 रुपए तो दे दीजिए। क्यों धर्म संकट में डाल रहे हो, ये लो। यार कोई चिल्लर ही चढ़ाता है क्या? अच्छा हुआ तेरे को चप्पल चोर नहीं समझा। यहाँ पर तो मैं शादी करके पछता रहा हूँ, वापस बैचलर होने का कोई तरीका ढूंढ रहा हूँ, और तुम लोग दोनों हो कि बर्बादी के रास्ते पर जा रहे हो। अपन की दोस्ती इलेक्ट्रिक करंट है। इधर तो करंट ही नहीं है। जब बिजली कट गई तो अक्ल आई। ये सुनना, कल तेरे को मारा उसके लिए सॉरी। अरे मेरे लिए एक काम करोगे क्या? क्या करना? मेरी पीठ में खुजली हो रही है। अबे चलती ट्रेन के आगे फेंक दूंगा तुझे। बोलो ना कुछ। कल तक तो इन सब बातों से दूर भागते थे और अब अचानक गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। सोचा था कभी नेता बन के जेल जाऊंगा, वो लड़की ने मेरा सपना आज ही पूरा कर दिया। बहुत लकी है यार तू। मुर्गन मुर्गन
जरूरी काम से एमएलए के घर जाना है। एमएलए के नाम पे दोस्तों को टांग दे रहा है, लड़की को मिलने जा रहा है ना? जा बेटा जा, वापस घूम के यहीं आना है तुझे। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो मुझे लाइक करती है या नहीं। मैं लड़की का थोपड़ा देख के उसकी फीलिंग बता सकता हूँ। देख है ना पटाखा। लिफ्ट मांग के जाना हो तो मर्सिडीज में बैठने के सपने नहीं देखने का, जो भी टीन का डब्बा रुक जाए उसमें बैठ के निकलने का। बवासीर गुप्त रुक, तेरा बवासीर निकल के हाथ में देता हूँ, हट। जैसे ही दुकान पर पहुंचू तो फोन करना। May I come in? नया बिजनेस स्टार्ट किया है, फटाफट इसके 25 जेरोक्स कॉपी चाहिए। आज मशीन में प्रॉब्लम है। नो प्रॉब्लम, इंसान को प्रॉब्लम हो सकती है तो मशीन को क्यों नहीं। उसकी लाइफ भी अपनी तरह बर्बाद करने के लिए बैठा है यहाँ। अरे लेकिन सुबह कौन इसके काम उसका, और गाली खाऊं मैं? मैं ही हूँ काई को कशाला। अब तो उठा लो, मैं जा रहा है, तू रे इधर ही। सीधा बोलो क्या चाहिए। ऐसी एक्टिंग करो जैसे किसी अनजान से बात कर रही हो। मैं भी थर्ड पार्टी से बात करने की एक्टिंग करूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा और अपनी बात भी हो जाएगी। एक्टिंग करने की क्या जरूरत है, तुम अनजान ही हो। देखो तुम मुझसे कब तक झूठ बोलती रहोगी। जान पहचान बढ़ाने के लिए तो रोज यहाँ पर आता हूँ मैं। तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, अब तो इजहार कर लो। हे भगवान, इसकी फिल्मी गलियाँ कब मुरझाएंगी। भगवान से बात कर रही हो, बोला तो दुकान के सामने मंदिर बनवा दूँ, डायरेक्ट बात हो जाएगी। तुम मंदिर बनाओगे उससे पहले तुम्हारी समाधि बन जाएगी। पापा किसी भी मिनट आ सकते हैं। हाँ तो मैं भी फोन रख ही रहा था। पता नहीं कब कौन सी नई मुसीबत घर ले आए, समझाते क्यों नहीं उसे। मैं समझाऊं, उसे पैदा मैंने किया पर वो मुझे ऐसे डांटता है मानो वो मेरा बाप हो। उसका बाप होके भी मैं उसे सुधार नहीं सकता। किसी का बाप भी मुझे सुधार नहीं सकता। बर्बाद होने का शौक है तो होने दो। क्या कहा। देखो अभी काम करने दो, मैं बाद में सोचता हूँ, चलो जाओ। आपका बेटा तो है आपके पास, मेरे नसीब में तो घर जवाई है, वो भी निकम्मा, किस्मत वाले हैं आप। देखना अपनी लाइफ सेट होने वाली है। भैया क्या हो गया। मेरी माँ बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, पैसों के बिना इलाज नहीं हो सकता। क्या बोल रहा है, ये ले जा इलाज करवा। ये भी रख और ये भी रख ले, अपनी माँ का ख्याल रख जा। ये तो सिर्फ दवाई के लिए होगा, ये मोबाइल बेचता है इससे भी पैसे मिल जाएंगे। बेटा ये लो, ये मेरी तरफ से दे दो। अरे ये ले, मोबाइल बेचने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है भैया, शुक्रिया। मैं माँ के पास अस्पताल जाता हूँ। मदद के लिए थैंक यू अंकल। भगवान तुम्हें सुखी रखे, तुम सब बहुत अच्छे हो, देखना लाइफ में बहुत आगे जाओगे। अपना बाप इतना दिलदार क्यों नहीं है। थैंक्स केशव, बातें तो बाद में भी हो जाएंगी, पहले हॉस्पिटल जाकर उसकी माँ को देखते हैं। हाँ अंकल, हम सब हॉस्पिटल जाते हैं। भाग मत लूंगी, निकाल के गोल्ड मेडल जीता है। बोल्ट के नट बोल्ट, माँ के नाम पे ओवर एक्टिंग करता है। अपना 50 काट के पूरा वापस कर, हमें भी अपनी उधारी चुकानी है। बाप रे, वोट के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अब 25 वोट्स तो कंफर्म है। 500 का नोट ला। अरे मुझे तो अस्पताल में माँ का इलाज करा रहा है ना, पैसे तुम्हें दूंगा तो वो कैसे होगा। हिस्सा सबको बराबर मिलेगा, ला निकल ये हिस्सा अपन के दोस्त दगड़ू का। एक और वोटर आ गई। सपने नेता बनने की और हरकतें भिखारियों की। कुछ भी कहो, माँ के ताने तमाचे से भी ज्यादा तेज। वो हमको भी अपना बेटा मान लिया। तबीयत खराब है तो घर पे आराम करने का, इधर कहीं को आए। दर्द भरी कहानी तुम्हें सुनाने आया हूँ। ऐसे सुनाना जैसे कोई राइटर अपनी पहली कहानी प्रोड्यूसर को सुनाता है। चलो भौंक। अरे वाह, डॉक्टर का पति बनूंगा।
केस है? कोई बात नहीं, चलेगा। नर्स का पति होना बुरा नहीं है। हेलो, बैठते क्यों नहीं? पनिशमेंट है? नहीं नहीं, ठीक है, मैं चलता हूँ। सिट डाउन, बीमार हो इसीलिए आए हो ना, बैठ जाओ। आप सबने टोकन ले लिया है ना? ये तो नर्स भी नहीं है, टोकन देने वाली का पति बनूंगा मैं। शक्ल से धोखा खा गया, सबको बेवकूफ बनाने वाला आज खुद ही बेवकूफ बन गया। क्या बात है, टक्कर की लड़की ढूंढी है तूने। हेलो, वहाँ की टोकन दो क्या, आकर ले जाओ। ये क्या? अरे कोई और नंबर दो ना। यहाँ कोई मटके का नंबर नहीं लगा है, जो मिला है वो बदलेगा नहीं। टोकन नंबर वन चाहिए। हेलो, ले 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 ले। रोते नहीं है बेटा। एट नंबर पेशेंट जाइए। अगला नंबर अपुन का है, कुछ भी करके खिसकना चाहिए। हेलो मिस्टर, अगला नंबर आपका है ना? आप इन्हें जाने दीजिए ना, मैं बाहर अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ। मिस्टर, रूल्स आर रूल्स। रूल तो तोड़ने के लिए होते हैं। हड्डियाँ भी तोड़ने के लिए होती हैं। चुपचाप नंबर लगाओ और खड़े हो जाओ। कितनी खड़ूस है ये तो। चल बेटा, इलाज करवा ही लेते हैं। अब उतरेगा प्यार का बुखार। क्या प्रॉब्लम है? किसको प्रॉब्लम है? तुम्हें और किसे? बुखार है सर। कितने टाइम से बुखार? सुबह 8:30 बजे मंदिर में अचानक तेज बुखार चढ़ गया। सिस्टर, इन्हें पैरासिटामोल इंजेक्शन देना। ओके डॉक्टर। इंजेक्शन क्यों सर? नाम बताइए। केशवन। पता है सर, दिन में 3 बार खाने के बाद लेना है ना। काफी नॉलेज लगती है तुम्हें। अपन भी डॉक्टर बन सकता है। सिस्टर, 2 इंजेक्शन लगाना। उसके बाद उसने उल्टा लेटा कर अपन को 2 इंजेक्शन ठोक डाले और मुट्ठी भर गोलियां मुंह में ठूस दी। ऊपर से 250 रुपए लिए। गया तब ठीक था, इलाज के बाद बुखार चढ़ गया। अच्छा? नहीं। इतने इंजेक्शन खाने के बाद उसका एड्रेस पता चला कि नहीं? अबे इंजेक्शन के बाद मैं अपना पता भूल गया, बस ये पता है कि उसने सुई कहाँ चुभोई है। रात को वापस जाके लड़की का पीछा करता हूँ। अगर रात को डॉक्टर ने उसे रोक लिया तो? ओवर टाइम के लिए यार। उसे याद करता हूँ तो अंदर का बल्ब जलता है, उसकी तो मोमबत्ती भी नहीं जलती। अरे भोलूनाथ, लड़कियाँ ट्यूबलाइट की तरह होती हैं, लेट ऑन होती हैं। तुम जैसे कमीने दोस्त आज तक नहीं देखे। अपने यार के जख्म पर नमक छिड़क कर उसका मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हारे गिरने की कोई हद है या नहीं? हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कितनी बार कहा है मिनी स्कर्ट वाली लड़कियों की फोटो मत भेजो मुझे। ऐसी लड़कियां मुझे पसंद नहीं है। मुझे सलवार सूट वाली सिंपल लड़की से शादी करनी है, अब समझे? तुम्हारी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, बाद में फोन करता हूँ। चिदंबरम का छोकरा हाथ से निकल गया। तेरा तो सबसे अच्छा दोस्त वही है। वो तो है। दोनों शादी सेम डेट को करना है। हेलो, हिमालय पर्वत जाने की सोच रहा हूँ, सन्यासी बन पाऊंगा? उसमें कौन सी डिग्री चाहिए? अगर इतना प्यार नहीं होता तो इसका गला घोंट देता। अरे ये यहाँ रहती है? तगड़ू भी तो यहीं रहता है। आओ होने वाले प्रधानमंत्री। अरे मुझे उस लड़की का एड्रेस मिल गया। कहाँ रहती है? अरे यही नीचे रहती है, नाम है मित्रा। ए, मरवाएगा क्या? वो मेरे मकान मालिक की बेटी है। मतलब घरवाली के साथ घर फ्री। मिस्टर रेलवे ऑफिसर, इसने तेरी पटरी का सिग्नल डाउन इच कर दिया। अरे दोस्त, मैंने एक पत्थर से 2 कौवे मारे हैं। क्या बात कर रहे हैं? देख, एक तो मुझे वो लड़की मिल गई, दूसरा मेरे बाप का कर्ज उतार दूंगा ये घर बेचकर। ससुर जी के पास इतना तो पैसा होगा ना, और बोनस में 4 वोट भी तो मिल रहे हैं। अपने वोट की बातें यहाँ मत करो और चलो निकलो मेरे घर से बाहर। इतनी रात को हमें घर से बाहर निकालेगा तो सुबह होते ही मकान मालिक तुझे घर से निकाल देगा। इसी को तो कर्मा बोलते हैं। हम तो चले जाएंगे, लेकिन तू दारू पिलाएगा। चप्पल से मारूंगा। माफ कर दीजिए हुजूर। अरे तेरे को होने वाली भाभी से मिलवा दूंगा ना, वो लोग तुझे यहाँ से नहीं निकालेंगे। क्या हुआ बेटी? मेरे पैर दुख रहे हैं। कभी तुम्हारा मुंह नहीं दुखता क्या? वीरांगना, खाना चाहिए, बस बना रही हूँ। मम्मी, पेट में डायनासोर कूद रहे हैं। आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ,
आज खाना पापा को बनाने दो ना प्लीज। उसे कितना भी उकसाओ वो मुझसे खाना बनवाने का रिस्क नहीं लेने वाली। हाँ। हेलो, खाना खा रहा हूँ, बाद में कॉल करूंगा। थैंक यू। लो जी, निकम्मा है लेकिन बैठकर खाने की फुर्सत नहीं इसे। यहाँ सिर्फ 5 है, फंड ट्रांसफर हो गया। कमाने की उम्र में बाप के जेब से पैसे चुराने से भिखारी होना अच्छा। क्या शुभ विचार दिया है, अभी बाहर जाकर इसे बोर्ड पर लिख देता हूँ। और हाँ, इसके बदले 1 पैसा नहीं लूंगा, ठीक है? क्यों जी, पूछोगे नहीं कहाँ जा रहा है? फिर से आ गए तुम, कोई काम वाम करते हो कि नहीं? शहर में कितनी समस्याएं हैं, उन्हें निपटाने में ही पूरा दिन चला जाता है। फिलहाल खुद को चार्ज करवाने आया हूं। क्या मतलब? फुल कर दोगी? जो कहना है साफ कहो। साफ साफ कहूं? मोबाइल की टंकी खाली हो गई है तो इसे फुल टॉक टाइम से भर दो प्लीज। भर दोगी ना? इसी हीरोगिरी में देवदास बन जाते हैं लोग। हेलो। मैंने अपनी माँ और जय संतोषी माँ दोनों से कह दिया कि शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा। और मैंने गणपति बप्पा से फोन करके मना करवा दिया। कोई और काम नहीं है क्या? जल्दी से फोन रखो वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ? अपनी ये घटिया छिछोरी बातें बंद करो और निकलो यहाँ से। चला जाऊंगा पर अपने दिल से कैसे निकालोगी? हे भगवान, ये चिपकू कहाँ से आकर चिपक गया? खुशी के आंसू निकल रहे हैं। आंसू तेरे निकलेंगे, वो देख आ गए मेरे पापा। पापा नहीं आए, मेरा बुरा टाइम आ गया है। क्या बात है बेटा, आजकल रोज दुकान में क्यों आते हो? अंकल जी, अब जेरोक्स कराने के लिए जेल थोड़ी जाऊंगा। जैसे तुम्हारे लक्षण एक दिन जरूर जाओगे। लगता है कुछ तो बड़ा झमेला होने वाला है। पता नहीं क्या, लेकिन तेरे तो सॉलिड लगने वाले। अबे ये पीटर कौन है? हेलो, कौन बोल रहा है? केशव का बाप बोल रहा हूँ। बाप का नाम पीटर रखा है? करेक्ट तो है। फोन किसने उठाया? मैं उसका फ्रेंड नहीं हूँ, मैं उसके फ्रेंड का फ्रेंड हूँ। एक मिनट अंकल। अरे सुन, अरे तेरे पापा का फोन है। फोन क्यों उठा? कह देता मैं नहीं हूँ ना। चल दे इधर। कैन आई स्मोक टू केशव द बिग फ्रॉड? अब क्या है, आपके टॉर्चर से बचने के लिए घर से बाहर आया हूँ। शहर छोड़ने के बजाय दोस्तों के साथ भटक रहा है? धमकी देकर गया था ना मुझे, पता था तुझसे कुछ नहीं होगा। शहर क्या आपके नाम पे है? मैं ये शहर छोड़ के नहीं जाऊंगा। तुम अपने उन यूजलेस दोस्तों के साथ जितना घूमोगे उतनी ही जल्दी तुम भिखारी बन के सड़क पे घूमोगे। हेलो, भिखारी बन भी गया ना तो जिंदगी में कभी आपके मकान के सामने भीख मांगने नहीं आऊंगा। आपके सामने मैं कभी हाथ नहीं फैलाने वाला, और आपका कर्जा भी बहुत जल्दी उतार दूंगा। और ब्याज? ब्याज का ठेका मैंने नहीं लिया है। ब्याज पे ब्याज? ब्याज पे ब्याज, वो मेरे बाप से ले लो। क्या रे, तू अपने बाप से ही तो बात कर रहा था। अब तक तो डायरी में इस कॉल के 5 रुपए भी जोड़ दिए होंगे उन्होंने। मेरे जिंदगी के पौधे को खोलते पानी से सींचा है उन्होंने। मेरे बाप ने तो पौधे में एसिड डाला है, एसिड। ये लो, मेरी बीवी के बाप का फोन आ गया, इसने तो कैक्टस को पानी डाला है। हेलो सर, मीटिंग में बिजी है। हाँ, आपको फोन करेंगे। कर दिया, आसानी से मानने वाला दामाद हूँ क्या मैं? पीछे चलते रहो। आओ आओ। नहीं यार, मित्रा स्टेज पर है, तुम लोग आगे जाओ, मैं जाता हूँ। बैठिए बैठिए। इधर ही है, उसने देख लिया मैं एमएलए का चमचा हूं तो बची कुछ इज्जत भी चली जाएगी। छोकरी के चक्कर में नौकरी चली जाएगी तो एमएलए के लोग आता हूं। चलो आटो, चलो उठो, एमएलए नहीं हो ना आप, यहां बैठ जाइए। ए कपूर जी, वो गमछा पहने दादाजी हैं उनका नाम पता कर, और वो माला पहने वैजंती माला का भी, जा जल्दी से पता कर। वो जो राइट वाली है ना, वो मेरी वाली है, और लेफ्ट में जो है वो मेरी वाली है। भगवान भी क्या सॉलिड गेम खेलता है, शायद हमारी तरह वो लोग भी दोस्त होंगे। तालियां, तालियां। दुर्गा बहन कैसी हैं आप? आपकी दया है पांडे जी, आपको मेरा नाम भी याद है, कितने महान हैं आप। और वेंकट काका सब बढ़िया?
आप ही से बात कर रहा हूँ हरे गमछे वाले। मेरा नाम वेंकट नहीं महादेव है। एक नाम भी पता नहीं कर पाते। सीएम साहब के साथ मीटिंग था इसीलिए लेट हुआ, लेकिन वर वधु को आशीर्वाद देने के लिए मीटिंग बीच में छोड़ा है। इसे आसपास भटकने भी नहीं देगा। शादी एक पौधे की तरह है, इसे विश्वास के साथ सींचना चाहिए, प्यार की खाद मिलानी चाहिए, त्याग की छांव मिलनी चाहिए, शक पर पेस्टिसाइड छिड़कना चाहिए, तभी पति और पत्नी फूल की तरह खिलेंगे। पहले इस कैक्टस पे पेस्टिसाइड छिड़कना चाहिए। विवाह एक बड़ी जिम्मेदारी है, दोनों को मिलकर उठाना चाहिए, किसी भी तरह के मतभेद को बीच में नहीं आने देना चाहिए, पति और पत्नी को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे का आदर सम्मान करना चाहिए। डार्लिंग आइक ना, यहाँ मेरी इज्जत का फालूदा मत बनाना है? रात को मैं तुम्हारे पैर दबा दूंगा और कपड़े भी धो दूंगा। चले ना, दोस्तों की वजह से एमएलए के साथ आना पड़ा। कोई टेंशन है? स्टेज पे जाके अपनी अटेंडेंस लगवाएं। हाँ चलो। वादे पर खरे उतरे और हमारा सपना साकार हो। पता का है, दूल्हा और दुल्हन को बधाई देने आए हैं, कुछ सेटिंग करना। मेरे को सब मालूम, अपनी हीरोइन से मिलने आए हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। उनको मिले बुके और गिफ्ट चुरा कर हमें पकड़ा दे। हमें निराश नहीं करेंगे। दोस्ती में क्या क्या करना पड़ता है। सबका साथ सबका विकास। इन्हें गौर से देखिए, इन दोनों को देखकर लग रहा है कि इनका रिश्ता सूरज और किरण की तरह है, कुएं और उसमें रहने वाले मेंढक की तरह, टीवी और उसके डिश एंटीना की तरह, मेरे और ईमानदारी की तरह, एकदम अटूट रिश्ता है। लोग इस शादी को कभी नहीं भूलेंगे। अभी तक खत्म नहीं हुआ। जानती हूँ मैं कि तुम ये बुके चुरा कर लाए। तुमने भी तो मेरा दिल चुराया। कल अपने एक बीमार दोस्त को हॉस्पिटल लेके आ रहा हूँ। जल्दी हमारी शादी मिलेंगे। देखिए, शादी चुनाव जैसा है, सही कैंडिडेट चुनेंगे तो जीतने की गारंटी, वरना जमाना जब। ये दोनों अपनी लाइफ की हर जंग मिलकर जीतते रहें और इनकी शादी संसद की तरह चलती रहे। जय हिंद। मंत्री जी, इस तरफ एक बार और जय हिंद। चल चल ना। कहाँ ले आया? बैठ जा। अरे टेंशन मत ले। कहा था ना, दोस्त को लेकर आऊंगा। चिक्कू कहीं का। इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? एक्टिंग आती तो सुपरस्टार नहीं बन जाता, तेरे से दोस्ती थोड़ी ना करता। बीमार लोगों को ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। आज कितने नंबर दे रही हो मुझे? दोस्त को लाया हूँ, बेचारा बहुत बीमार है, मुझसे देखा नहीं गया। हॉस्पिटल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा सबसे मनपसंद हॉस्पिटल यही है। ओह, यहाँ के डॉक्टर, नर्स और रिसेप्शनिस्ट भी कितने अच्छे हैं, इसी बहाने मिलना भी हो जाता है। ये मुझे घर से बाहर निकलवा कर ही रहेगा। सिस्टर, दोनों को ग्लूकोज चढ़ा देना। अरे सर, बीमार ये है तो ग्लूकोज मुझे क्यों? सुना नहीं, बाय वन गेट वन फ्री। अब चैन मिला ना तुझे? ग्लूकोज से क्या होगा, जब ये अपने प्यार का इकरार करेगी तब मिलेगा दिल को करार। हिम्मत है बाजुओं में, फिर क्यों थमा रहूं डर के सदा, जब सामने है मंजिल खड़ी तो क्यों ना बनाऊं अपना रास्ता। पॉकेट मनी दो ना। कैसे मर्द हो तुम, पेट में मेरी निशानी रख के मर्दानगी पे सवाल करती है। मेरी गुलाब जामुन, जितना मारना है अभी मार ले, बच्चे के सामने मेरे को रिस्पेक्ट मांगता है। और तेरे बाप को भी ये समझा देना। कोशिश करूंगी। क्यों जी, क्या है? रोज सुबह बिना कुछ बताए अपनी खटारा लेके कहाँ जाते हो? छोले भटूरे बना के रखना। हेलो सिस्टर, इसको आपसे अकेले में बात करनी है। अपुन ने ऐसा कुछ बोला था क्या? बस निकल जाने के बाद रोकने की क्या जरूरत है? ये उस ग्लूकोज का बदला है। क्या है? नहीं नहीं कुछ नहीं। नहीं नहीं, झूठ बोल रही है। ट्रेन आने का टाइम हो गया। कल ट्रेन की औलाद मेरी चेन खींच कर चला गया। हाँ हेलो, हाँ बस पहुंच ही रहा हूँ। हाँ इलेक्शन का क्या हाल? केशव, तेरा पर्स मिला क्या? ये डेबिट कार्ड नहीं है, डोनर कार्ड है। इसमें कैश के बजाय कार्ड्स ही मिलेंगे, मैं कैश वैश रखता नहीं हूँ। ये क्यों रखा है तुमने? ये डोनर कार्ड है, अचानक दिल का सदमा पड़े या मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो मैं मर जाऊंगा ना। और वो क्या है कि एक महान नेता लावारिसों की तरह नहीं मर सकता ना।
इस कार्ड में मेरा नाम है, मेरा पता है, मेडिकल डिटेल्स हैं, मेरा ब्लड ग्रुप भी है और इसमें लिखा है कि मरने के बाद मेरी आंखें, लिवर, किडनी सब डोनेट कर दिया जाए। कम से कम मरने के बाद किसी के काम आऊंगा, किसी का भला हो जाएगा, बस और क्या चाहिए। ओहो, फ्यूचर प्लानिंग, पूरी जिंदगी बाकी है। जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी बिताऊं। जानती हो जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? कोई आपको सच्चे मन से प्यार करे, और तुम्हारी ये खुशी मैं पूरी कर सकता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे खुश रखने वाले बहुत हैं। और अपना ये ड्रामा मेरे सामने दोबारा कभी मत करना, अब चुपचाप जाओ। लगता है इसमें दिल ही नहीं है। कहाँ दिल लगा बैठा तू भी यार। लड़कियों को इम्प्रेस करना इतना मुश्किल नहीं है यार, पर उनके मुँह से प्यार कबूल करवाना उल्टा लटक के पानी पीने से भी ज्यादा मुश्किल है। ए, फोन बजा। इसके बापू का होगा। हाँ मम्मी बोलो। तेरे बाप का टॉर्चर बढ़ता ही जा रहा है। अब क्या किया उन्होंने? मुझ पर खर्च किए रुपयों की एक डायरी दिखाई मुझे। अपनी सगाई के दिन से लेकर आज तक तुम पर एग्जैक्टली 9,65,675 रुपए खर्च किए हैं। कुकिंग सर्विसेज के लिए 2,00,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूँ। जो बचा है मुझे वापस कर दो और अपने मैके लौट जाओ। अब वो मक्खी चूस मेरी माँ का खून चूस रहा है। अरे बाप रे। हेलो माँ, अभी वो कहाँ है? दारू पी के बेवड़ा रूम में डांस कर रहा है। मुझे तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है बेटा, तू जल्दी घर आ जा, पता नहीं ये क्या करने वाला है। माँ मुझे लगता है उन्होंने छुटकी के हिसाब की भी डायरी बनाई होगी, कहीं उसकी स्कूल फीस देना ना बंद कर दें। तुम एक काम करो, घर की सारी डायरी इकट्ठा कर लो और टोटल करके मुझे बताओ, मैं आकर अकाउंट क्लोज कर दूंगा। आजकल मैं एक 2 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पे 2 करोड़ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। एक बार उसका पैसा आ जाए तो सारा कर्जा उतार दूंगा। क्या रे, कहीं बैंक लूटने का इरादा है क्या? अरे कोई रास्ता भी तो नहीं है, कर्जा बढ़ता जा रहा है। एक बार लड़की के बाप से घर हथिया लूं ना, फिर पूरी लाइफ मस्त कटेगी। वाह, नेता बनने के लिए सारा गुंडागर्दी का दिमाग है तेरे में। कभी सोचा नहीं था तू इतना नीचे गिरेगा। ए, इसमें गिरने वाली कौन सी बात है? अब तो तुझसे बात करना भी मेरे लिए शर्म की बात है। मक्के जैसी पापक मारेगा। ए, कर्म की तरह लात मत मार, समझा ना? क्या करेगा? क्या करेगा? तेरे वापस वापस शुरू करेगा। मेरे घर पे इडली नहीं खाएगा। अरे मेरी बात तो सुन। डायरी में लिख के क्या बात है? झगड़ा करते मार दे तुझे। रात में मार सकता हूं। अरे रुको, हिम्मत है तो फिर से हाथ लगाना। अरे बाबा तुम लोग दोनों ये लीजिए, आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, वीआरएस क्यों नहीं ले लेते? अरे वीआरएस लूंगा तो घर कौन चलाएगा? बेटा तो निकम्मा है, अगर वो कोई नौकरी कर ले तो कुछ हो सकता है। हाय, फोन डिस्कनेक्टेड है। कोई क्या सोचेगा मुझे परवाह नहीं है, डायरेक्टली बात कर। दिमाग में लव के अलावा कुछ है भी या नहीं? तुम हो ही इतनी खूबसूरत, इसलिए देखता हूँ सिर्फ सूरत। कविता बन गई, कविता बन गई। तिलक वाला मुर्गन, तुम्हारा जवाब नहीं। मुर्गन नहीं, मुर्गा कहो खुद को, पक पक करते रहते हो। मुझे शॉप में एक हेल्पर की जरूरत है, काम करना चाहोगे? पैसे मिलेंगे। छोकरी के साथ नौकरी, दिन के पूरे 50 रुपए और 2 चाय फ्री, डील काफी अच्छी है। गुस्सा मत हो मुर्गन, तुम अभी नादान हो लड़की। अरे मुर्गन चाहे तो राख को भी सोना बना सकता है। और बाय द वे, मुर्गन तुम्हारा हस्बैंड बनना चाहता है, असिस्टेंट नहीं। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि बिना किसी मेहनत के तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे और पूरा देश चलाओगे? तुमने सिर्फ मेरा जेरॉक्स देखा है, ओरिजिनल में कितना दम है जानती नहीं। एक बार बात करने का मौका तो दो। रोड के कॉर्नर पे मेरा इंतजार करना, पापा आने वाले हैं, लंच के लिए घर जाऊंगी तब बात कर लेना। लेकिन हाँ, ये आखिरी मौका होगा। आज अगर इंप्रेस नहीं कर पाया तो दुनिया छोड़ दूंगा। क्या सर, बंदर छाप दंत पंचन बंदरों के लिए नहीं है? यहाँ जानवरों के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ सर, वैसे भी आपके होते हुए जानवरों की क्या जरूरत है, चलता हूँ। दूर ही रहो वरना रोड साइड रोमियो समझ के धुलाई हो जाएगी। अच्छा जोक मारती हो। मैं बहुत सीरियस हूँ। माथे पर विभूति लगा के कुछ छुपा रहे हो क्या? ये निशान कैसा है? पता है, जब मैं छोटा था तो माँ पूजा करके राख मेरे माथे पे लगाती थी ताकि मुझे किसी की नजर न लग जाए। जो जो मुझे उस गेटअप में देखता
तो देखते कहता कि अरे ये तो बिल्कुल भगवान मुर्गन की तरह दिखता है, तो माँ ने मेरा नाम ही मुर्गन रख दिया। और हर दिन वो पूजा की राख से तिलक लगाने लगी। जब 5 साल का हुआ तो स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन था, तो माँ ने मुझसे कहा बेटा अगर तुझे फर्स्ट आना है तो मुर्गन बन जा। मैं उनकी बात मान गया और बन गया मुर्गन। उनकी बात सच निकली, फर्स्ट प्राइज मिला। 6 स्टैंडर्ड में फिर से भगवान मुर्गन बन गया। फिर से फर्स्ट प्राइज नहीं तो सेकंड प्राइज, जो लड़का बाल गणेश बना था उसे फर्स्ट प्राइज मिला। सीनियर क्लास में भी ड्रामा में हिस्सा लिया, लेकिन फिर से वही रोल मिला, भगवान मुर्गन स्वामी, मुर्गन स्वामी। जूनियर कॉलेज में गया तो लड़कियां मेरा मजाक उड़ाने लगी। मैंने सोच लिया आपसे कभी तिलक नहीं लगाऊंगा, तो तिलक तो हट गया और उसके मार्क्स नहीं हटे, तो इन निशानों को छुपाने के लिए फिर से तिलक लगाने लगा। वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तिलक लगाने के पीछे इतनी दर्द भरी कहानी होगी। नाइस फ्लैशबैक, लेकिन मुझे बोरिंग लगा। रात को बियर पीने के बाद यही बोरिंग कहानी इंटरेस्टिंग लगने लगती है। क्या कहा? सच्ची। अरे मैंने टैक्सी नहीं बुलाई। लड़की पे लाइन मार रहा है। नहीं नहीं, मैं तो उसका अंकल हूँ। अरे 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 भाई, अरे मेरी बेबी के साथ इज्जत रख लो। अरे मैं चलता रहा, तुम्हारे साथ ऐसा मत करो। अरे रुको। बधाई हो, बेटा हुआ या बेटी? बेटा हुआ है, एकदम मक्खन जैसा गोरा। इतना गोरा यकीन नहीं होता कि मेरा ही बेटा है। मैंने तो पहले ही कहा था ये निकम्मा गली के कुत्ते की तरह पिटेगा किसी दिन। हो गई बात सच। प्यारे मित्रों, शेर को बब्बर शेर हुआ है, इसलिए ये छोटा सा पार्टी, पेट भर के खाना। और भाई आज कुछ ज्यादा ही हिल रहा है, बॉडी के पुर्जे ढीले कैसे हो गए तेरे? इतनी धुलाई होगी तो यही होगा ना। तुझे कैसे पता चला मेरी धुलाई हुई है? अबे तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, अपना दुखड़ा सुना रहा हूँ मैं। कौन थे वो लोग? हाँ, उनसे आधार कार्ड मांगता ना कि कौन हो भाई, कहाँ से आए हो। बेबी के पापा ने गुंडे भेजे थे। लड़की के बाप ने मारा, सेम स्टोरी। केशव तूने चुपचाप मार खा लिया? क्या यार, ये किसी गुंडे का काम नहीं लगता है, लगता है किसी धोबी ने तेरे को कपड़ा समझ के धो दिया। लड़की पलटी तो समझ लो फंसी। हेलो, कहाँ हो तुम? क्या पॉलिटिकल सलाह चाहिए तो ऑफिस पे आ जा। होने वाला मंत्री हो ना, फोन टैप भी हो सकता है, इसीलिए ऐसी बातें फोन पर तो कभी नहीं करनी चाहिए। अरे हेलो, बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? क्या है बे? गिफ्ट। गिफ्ट गिफ्ट कहा था ना बाद में फोन करती हूँ, दिमाग मत खराब करो। अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो सीधा मुंह पे बोल देती, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करता। मेरी बात मानो, मेरा हाथ छोड़ दो, नाले के रास्ते से 100 की स्पीड से 9-11 हो जाऊंगा। मुझे पिटवाने के लिए गुंडे बुलाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही तुम्हारे चक्कर में बहुत से इंजेक्शन और गोलियां खा चुका हूं मैं। मुझ जैसे सच्चे प्यार करने वाले को मारना सही नहीं है, पाप है। ओह, आज तो मैं तुम्हारी सिर्फ टांगे तोड़ूंगी। और तुम्हें हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस बुला रखी है मैंने। एम्बुलेंस बुलवाई है तो फिर मुझे मारेगा कौन? इसके लिए थैंक यू। अब ये लोग सोचेंगे कि ये ऑपोजिशन की चाल है। पब्लिक सिंपथी, ये नरम दिल लोग हैं, अपने नेता को पिटते देखेंगे तो इनका वोट तो मुझे पक्का मिलेगा। तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड हो और मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता हूँ, इसीलिए सही सलामत खड़ी हो। अब तुम जाओ पतली गली से, मैं चला तरक्की के रास्ते। क्या गोलमाल की तरह गोल गोल घुमा रही है, क्या कर रही हो? छोड़ो, रुक जाओ। तू तो गया। भागो! अरे संभल के। अरे मेरे बटन तोड़ोगी क्या? अरे अरे शर्ट फट जाएगी, छोड़ो, जाने दो। वीरांगना की बेटी हूँ मैं, अगर तुमने अपना थोबड़ा मुझे दोबारा दिखाया ना तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। आज का दुखद समाचार,
हमारे माननीय नेता कुमार केशवन, जिन्होंने देश प्रेम के लिए अपने प्रेम को भी त्याग कर दिया। सदमा लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तू लड़की की वजह से गुंडों से पिटा और मुझे तो सीधा लड़की ने अपने हाथों से पीट दिया। सॉरी यार। अरे इससे तो अच्छा होता हम एक दूसरे को पीट लेते। होने वाले पीएमसीएम की इतनी इंसल्ट की, क्या दिन आ गए हमारे। इसे भूलना मत, हम चाबुक खाते सर्कस के भालू नहीं है, जंगल पर राज करने वाले शेर है शेर। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ? नहीं, हम लोग शांत नहीं बैठेंगे, हम बदला लेंगे। हाँ, और वो कैसे लेंगे उसकी प्लानिंग आज रात को करते हैं। जानता हूँ तुम लोगों का दिल टूटा है, लेकिन मेरे को तो बेटा हुआ है, इसलिए मेरी तरफ से ये छोटी सी ट्रीट। अबे शाने, हमसे कॉन्ट्रीब्यूशन लेके इसे ट्रीट का नाम नहीं दे सकता तू। बहुत डिप्रेशन में हूँ यार। क्यों, क्या हुआ? कल मेरा बेटा पैदा हुआ। पैदा होने से पहले माँ को गोद भराई में पैसे मिले, अब बेटे को गिफ्ट और कैश मिल रहा है। पूरा 9,000 का कलेक्शन किया, वो भी सिंगल डे में। बीबी ने ताना मारा, जितना मैंने एक साल में नहीं कमाया उससे ज्यादा बेटे ने एक दिन में कमा लिया। इतना ही नहीं, उसने कहा कि शादी से लेके अब तक उससे ज्यादा मैंने अपने ससुर से पॉकेट मनी लिया। मेरे मर्दानगी पे सवाल उठाने लगी। तू टेंशन मत ले यार, लड़कियां ऐसी होती हैं। तो तूने सामने से क्या बोला? अरे मैंने उसे कहा तो कुछ भी नहीं, चुपचाप 9,000 में से 1,000 रुपया चुरा लिया, उसी की बियर पिला रहा हूँ। सिंदरू वाकई में बहुत बड़ा दिल वाला है। बियर कोई भी पिला रहा हूँ, लीवर तो अपना है ना, जरा आराम से पी, प्यास लगी, जल्दी मरना है क्या? इधर अपनी लाइफ नहीं संभलती, इन लोगों को कहाँ से संभालू। अरे इंसान की तरह खा, कभी खाना देखा नहीं क्या? एक घूंट में आधी बोतल गटक गया, और अब इसे क्या हुआ? बियर कड़वी लगी क्या? नहीं, उसने जो मेरी पिटाई की उसका एक्शन रिप्ले हो रहा है। दोस्तों, मैंने तुम सब लोगों से कुछ छुपाया है। क्या? वो गुंडे गली में दौड़ा दौड़ा के कुत्ते की तरह मारते तो चलता, क्या करने वाले हो? गोली से मारोगे या तलवार से? नहीं, तबला बजाएंगे। तबले की तरह बजाया, मुझसे उठक बैठक करवाई। 112, 113, 114 और तो और घुटने के बल बिठाया। मैं क्या प्राइमरी का बच्चा दिखता हूँ? खुद की नजरों में गिरा दिया। अब समझा ना प्यार के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, नहीं सुधरेगा। हेलो माय डियर वोटर, कौन था यार? इलेक्शन की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं अगस्त में, हम खड़े भी होंगे। और मेरा वादा है हम जीतेंगे भी। जिन्होंने तेरी धुलाई की ना, सिर पे मारा, सॉरी, जिन्होंने सिर पे मारा, पर मुझे मारने वाली वो लड़की सबको दिखा देंगे। इलेक्शन क्या खाक जीतोगे तुम दोनों? एक लड़की का दिल तक नहीं जीत पाए। जब एक लड़की जाल में फंसा नहीं पाए तो पब्लिक को फंसाओगे तो तुम्हारा जाल फट जाएगा। कौन देगा तुम लोगों को वोट? पहले प्यार हासिल करेंगे, फिर वोट हासिल करेंगे। हाँ, इस नौजवान पीढ़ी के लिए हम आदर्श नेता बनेंगे। इतनी लंबी लाइन, ये सब लोग यहाँ इलेक्शन का टिकट लेने के लिए आए हैं क्या? ऐसे में हमें कौन पूछेगा? ये सब के सब नाकारा लोग शॉर्टकट से पावर पाना चाहते हैं। हाई कमांड से कह दो कि हमने जो लिस्ट भेजी है उसमें से एक का प्रमुख हमको बना दें, वरना हम अपनी असली पावर का इस्तेमाल करेंगे। इतना पावरफुल हो तो एमएलए के आगे एक्स कैसे लग गया? वो हमारी गलती नहीं थी, चेयरमैन ने अपना काम ठीक से किया होता आज एक्स की जगह एबीसी होता। देखिए, पार्टी के वर्कर्स ने पैसे देकर मेरे खिलाफ वोट करवाया। मुझे पॉलिटिक्स सिखाने की कोशिश मत करो, थोड़ा सा अच्छा काम किया होता तो जीत चुके होते। इतना आसान होता तो मैं दिन रात मेहनत क्यों करता? जानते हो मैंने पार्टी के लिए कितना पैसा और समय दिया है? सिर्फ पब्लिक रैलीज में भीड़ जुटाने के लिए 20,00,000 रुपए खर्च किए हैं मैंने। सामूहिक विवाह, गरीबों को साइकिल, स्टूडेंट्स को लैपटॉप, गरीबों को डोनेशंस, इन सब में 30,00,000 रुपए खर्च हो गए। पांडे, अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है ना, इन सबको इन्वेस्टमेंट की तरह देखना चाहिए। यहाँ जज्बात की कोई कीमत नहीं है। मैं हाईकमान से बात करूंगा, 2 दिन बाद फोन करो। सबसे कहो कि 2 दिन के बाद आए, सालगिरह पर नहीं गए ना इसलिए नाराज हो गए। सुनो पांडे जी, अभी मीटिंग में बिजी हैं,
तुम लोग दो दिन बाद मिलने आना, ठीक है? ये तो रोज का सीन है यार, आदत डाल ले। हेलो केशवन। हाँ बोलो। मुझे तुमसे मिलना है। क्यों? ये देखना है कि मैं जिंदा हूँ या जख्मों पर नमक छिड़कना है? 1000 times sorry, प्लीज मुझसे मिल लो। देखो पहले से बहुत परेशान हूँ और मार खाने की हिम्मत नहीं है। अरे यार प्लीज। नहीं आऊंगा। आना पड़ेगा, मुझे आज और अभी ही केशवन से मिलना है, वरना। क्या हुआ, अचानक से इतना मुंह क्यों लटक गया? कुछ नहीं, एक जरूरी काम याद आ गया, जाके आता हूँ। अच्छा तेरे पास काम है, वो भी जरूरी? कोई टेंशन है तो बोलना, मैं भी साथ में चलता हूँ तेरे। कोई जरूरत नहीं है। हेलो माय डियर वोटर, मान जाओ ना। अच्छा तू चल, मुझे भी एक जरूरी काम आ गया। तुमसे बात करनी है। अच्छा लात से या हाथ से? उस दिन मारा वो काफी नहीं था? ये मेरा इलाका है। ए जमाल पकिया, ए सोडा बोतल लेके आ रहे, तलवार कहाँ है मेरी? क्या हुआ? मुर्गन, मेरे मुर्गे। हेलो, इस बार पिटवाने के लिए किसको भेज रही हो? तुम्हारे पापा ने गलती से तुम्हारा नाम बेबी रख दिया। तुम्हारी हरकतें तो हुंडो वाली हैं। स्कूल में कभी टीचर से इतनी मार नहीं खाई मैंने। छी, रखो फोन। तुम्हें डांटने का पूरा हक है। दुनिया में हमेशा सिर्फ सच्चाई की जीत होती है, ये मुर्गन का आज का ज्ञान है। ये लाइन यहाँ किस लिए? तुम्हारी समझ के बाहर है, चलो फोन रखो। ये तो मेरी फोटो है और राइटिंग भी मेरी है, तुम्हें कैसे मिला? केशवन K7। K7? मैं अब तक याद हूँ। याद तो उन्हें करते हैं जो दिल में ना हो। मैंने तो 6th स्टैंडर्ड में स्कूल छोड़ दिया था। तुमने स्कूल छोड़ा था पर मैं अपनी दोस्ती नहीं भूला, एक पल के लिए भी नहीं। मैं वही हूँ, कैसे पता? सच कहूँ तो नहीं पता था, लेकिन उस दिन जब तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे लगा कि हमारा कोई कनेक्शन है। सॉरी, तुम्हें पहचाना नहीं ना, इसलिए तुम पर हाथ उठाया। उसे हाथ उठाना नहीं, किसी का खून करना कहते हैं। मेरे मन में जरा सा शक था तो उसे दूर करने के लिए उस दिन वो गिफ्ट लेकर आया था। देखो तुमसे बहुत सारी बातें करनी है लेकिन पेशेंट्स वेट कर रहे हैं, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है, आज शाम को मिले। एक दुखद सूचना, हमारे माननीय मंत्री कुमार केशवन, जो हॉस्पिटल की खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट मित्रा केशवन के पति थे, आज सुबह दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अंतिम यात्रा का समय 5:30 बजे है। हे केशु, हम झगड़ते उसी से हैं जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अरे यार तू उदास मत हो, देखना वो भी तुझसे प्यार करती ही होगी, एक दिन आएगी तेरे पास ही आएगी। अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो मैसेज कर दो, और अगर हूँ तो रोज से प्रपोज करो। ए 5 रुपए उधार देना। जो हुआ मेरी गलती नहीं थी। भगवान की गलती थी, उसी ने मुझे वैन में बिठवाया, सर पे 100 बार तबला बजवाया और 200 बार उठक बैठक करवाई। मेरे ग्रहों की दशा ही ऐसी है, उसको कौन बदल सकता है। तुम इतनी अच्छी कॉमेडी कैसे कर लेते हो? लाइफ में जब ट्रेजेडी आती है ना तो कॉमेडी अपने आप निकलने लगती है। इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 4 मुस्टंडे मुझे डस्टबिन की तरह उठा के ले गए और तुम चिल्ला के मदद भी नहीं मांग सकी, देखती रही। वाह सॉरी। भागो। फूल दे दो ना, वैन चली गई। अरे वाह, तुमने तो बिल्कुल देर नहीं लगाई। जाकर अपने फ्रेंड से कह दो लड़की पट गई। 5 रुपए उधार लेके लड़की को रोज से प्रपोज मारना बहुत आसान है, पर ये गुड न्यूज दोस्तों को सुना के 500 की बियर की ट्रीट देना बहुत मुश्किल। मेरी कंडीशन समझ रही हो ना? हेलो मेरे यार, आज रात की पार्टी मेरी तरफ से है। मेरे पड़ोसी की उम्र भी तुझे लग जाए, भेटू या।
सारे पैसे खर्च कर दोगे? अब दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी ना। दोस्ती में पैसों की परवाह नहीं करते, सिर्फ बियर और चखने को देखते। तो तुम भी पीते हो? छी छी, वो सिर्फ दोस्तों का साथ देने के लिए यूं ही बैठ जाता हूँ। तू कहीं नहीं जाएगा, हर बात की एक हद होती है। आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता है, तुझे मेरा ही दामाद बनना था? अपने दामाद के साथ कोई ऐसे बात करता है क्या? हाँ करते हैं, मेरा खून खोल रहा है, तू इसकी तरफदारी मत कर। ससुर जी जरा देखना तो मुझ का ताऊ सही। भगवान, फूट गई किस्मत मेरी, या तो इसे उठा ले या फिर मुझे उठा। जरा जोर से खून निकलना चाहिए। तू क्या खड़ी है पूरनपोली, जा जाके टकले का नारियल फोड़ने में मदद कर। हाय सासू जी, अपने मर्द को बोल गुस्सा कंट्रोल करे, नहीं तो बीपी बढ़ गया ना तो दिल धक धक करके बाहर आ जाएगा। जल्दी कमाने लगेगा और बुढ़ा मर गया तो मेरे को कौन पालेगा। बाय सासू माँ। देखो इस बेशर्म को, मेरी चप्पल तक पहन के चला गया ये। अरे ये तो ब्रश भी मेरा इस्तेमाल करता है। इससे तो नाली के कीड़े अच्छे। उनसे क्यों पूछना, यह मेरा फैसला चलता है। सुनो, मेरी बहन के जेठ के बेटे से बात चलाऊं तो तुम मना करोगे? भैया कल सुबह मंदिर में शादी करवा देंगे, हम मित्रा को लेकर वहाँ पहुँच जाएंगे। पापा ये सब क्या है? स्कूटर से गिर गया, सर में चोट लग गई। शादी का पूछ रही हूँ, ये लड़का कौन है? लड़का? ज्यादा आजादी दी तो हमारी नाक कटवा दी। सुन ले, कल सुबह तैयार हो जाना, मेरी बहन के जेठ के बेटे से तेरी शादी होकर ही रहेगी। आप भूल रहे हो कि मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरी शादी जबरदस्ती नहीं करवा सकते। जिसे आपने मेरे साथ देखा वो स्कूल से मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और ये बात मुझे कल ही पता चली। और इतना ही नहीं, वो किराएदार का दोस्त है। ओ, किराएदार का दोस्त है तो कौन सा तीर मार लिया, कल बुलाना उसे। क्यों जी, क्यों बुलाना उसे? भाग्यवान, बात करने में टॉक टाइम वेस्ट नहीं होगा। पहली बार मनहूस की शक्ल देखी, एक्सीडेंट हो गया, उससे बात करते समय उसे बता देना। पापा ये केशवन है। क्या हुआ अंकल आंटी? पहली बार में ही इतना अपनापन मत दिखाओ। आंटी आपको मैं याद नहीं, आपको मलाई पेड़े खाना बहुत पसंद है ना? आप बचपन में मुझसे ही तो कहती थी केशवन पेड़े लेके आ, केशवन पेड़े लेके आ। उस हलवाई पे इतनी उधारी चढ़ा दी, आज तक मुझे ढूंढते फिर रहा है वो। और अंकल याद है आपका वो मीठा पान, बुलाने मुझे ही तो भेजते थे, वहाँ भी बहुत उधारी चढ़ाई थी आपने। पिछले हफ्ते ही क्लियर किए मैंने, आप दोनों की मनपसंद चीजें लाया हूँ, आपके पेड़े और आपका पान। देखो पुरानी बातें बाद में, तुम दोनों के रिश्ते से मुझे कोई एतराज नहीं है, पर बेटी की शादी को लेकर मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं इसकी शादी में दहेज नहीं देने वाला। अरे अंकल मैं तो खुद दहेज के खिलाफ हूँ। पर मैं दहेज लूंगा जरूर। इसकी शादी के लिए कपड़े और जेवर तुम खरीदोगे, पूरा खर्चा तुम्हें ही उठाना होगा। इसके लिए तो मैं आपको अपने घर में भी रखने को तैयार हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम हम दोनों के अकाउंट में 10-10 लाख रुपए जमा करवा दो, बुढ़ापे में वही काम आएंगे। क्यों, बुढ़ापे में पाइल्स होने वाला है आपको? मेरी बेटी को खाना पकाना नहीं आता, इसके लिए तुम्हें ही पकाना पड़ेगा। इसकी पढ़ाई पर जितना खर्च हुआ है उसका सारा पैसा तुम हमें दोगे, तुम्हें मंजूर है? आपने भी सारे खर्चों का हिसाब डायरी में लिखा है क्या? क्या बात है अंकल, तुम्हें सारी शर्तें मंजूर है ना? तो आगे की बात से पहले एक एग्रीमेंट साइन करना होगा, क्या तुम तैयार हो? पापा ये कैसी शर्त है? दोनों तरफ से मेरा ही फायदा है। वो कैसे? क्योंकि मित्रा का मोल तो देखो तुम तो हमें पसंद हो, लेकिन तुम्हारे परिवार को हमारी बेटी पसंद आनी चाहिए। सही क्यों? कहा, अपने घर वालों को बुलाओ, शर्तें सुनानी है। Answers me. असली बात बता, नहीं तो खाल उधेड़ दूंगा तेरी। तुझे पाल पोस के पढ़ा लिखा के इतना काबिल बनाया और तू अपनी मर्जी से शादी करेगा? कुछ भी बोलता हूँ तो इधर उधर क्या देखने लगता है? जरूर तेरे सारे निकम्मे दोस्तों ने तुझे उकसाया होगा। टीम वर्क है? छठी क्लास तक तो बोतल से ही दूध पीता था तू, यानी ये सिक्स स्टैंडर्ड से बेवड़ा है तभी सबसे ज्यादा पीता है। चल उस गधे के भी दर्शन कर लूं जिसे अपनी बेटी से प्यार नहीं। देखो पापा, वो शहर के बहुत बड़े रईसों में से एक है, करोड़पति है। लेट्स गो। पति बोलते ही बुड्ढा तैयार हो गया। चल भाई अपन भी चलते हैं। सही है, बाप बेटे दोनों लड़की से ज्यादा उसकी दौलत में इंटरेस्टेड है। मैं भी एक दिन जेरोक्स की दुकान का मालिक बनूंगा। कोई है? पापा जरा शांत रहना। मतलब? कंट्रोल योर सेल्फ, गुस्से पर काबू रखिएगा। साहब। अरे इधर भीख मांगने आए हैं क्या? नमस्कार। आइए। यही दोनों अपनी बेटी देने को तैयार हैं? इज्जत से बात कर वरना जीप खींच लूंगा। अरे तो चुप कर, बात समझता भी है? हिम्मत है तेरी? हिम्मत दिखाऊं तुझे? अरे एक मिनट। ये तुझे क्या हो गया? सर पे पट्टी कैसे हुआ ये सब? इनके भी चोट लगी हुई है, क्या हुआ? क्या स्कूटर गड्ढे में गिर गया था? आओ बैठो, सबके लिए ठंडा ले आओ। लगता है बात पक्की, कहानी में सॉलिड ट्विस्ट है। ए चुप कर, तू इतने दिनों से इन्हीं की बेटी के पीछे पड़ा हुआ था क्या? हाँ पापा। वो तुझसे पट गई?
एक नंबर का उल्लू है तू। मैं इसी लड़की से ही तो तेरी शादी करवाने वाला था। मुझे मना करने के बाद घूम फिर के तू उसी लड़की के पास पहुंचा जिससे मैंने तेरी बात चलाई थी। आप मुझे फोटो दिखा सकते थे ना, मैं तो पूरी फिल्म बनाने को तैयार था। इसी को टेलीकम्युनिकेशन गैप कहते हैं, अंग्रेजी है नहीं समझेगा। जरा अपनी बेटी को तो बोला। मित्रा, मैं नहीं जानता था कि ये तुम्हारा बेटा है। ये इस नालायक के लायक नहीं है, कितनी सुशील है। चॉइस अच्छी है, जब छोटी थी तब इसे देखा था, सोचा था तेरी तरह चूहे जैसी शक्ल होगी इसकी, पर ये तो बहुत सुंदर निकली। ये तो इंसल्ट करने का कोई मौका ही नहीं छोड़ता। मुझे इस लड़की से अकेले में बात करनी है। कम नियर मदर इन लॉ। तेरा बाप तेरे रिश्ते के लिए आया है कि अपने? बस एक मिनट, टेल मी व्हाट। अरे बकवास बंद कर, इंग्लिश में ग्लैमर को क्या कहते हैं? क्या हुआ? तुम्हारे पापा की इंग्लिश प्रैक्टिस ना, शादी की प्लानिंग कर रहे थे, बोले शादी बाद में, डिवोर्स आज करेंगे। ग्लैमर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है भाई। एंगेजमेंट कहीं से 30 दिन में इंग्लिश सीखी। अच्छा, अच्छा। मेरा सर दुख रहा है, क्या कोई मुझे कॉफी पिलाएगा प्लीज? आर यू सरकास्टिक नाउ? देखो भाई, मेरा बेटा पॉलिटिक्स में जाएगा जो इसके लायक बिल्कुल नहीं है। ये बस अपने निकम्मे हमारा दोस्तों के साथ घूमता रहता है। यहाँ आने से मेरे को रोका क्यों नहीं? चल, गेट आउट। आपकी बेटी को इसको सुधारना होगा। पॉलिटिशियन बनेगा? हमारा नेताओं से कोई लेना देना नहीं है। पॉलिटिक्स एक दलदल है। जितने भी भ्रष्ट बेईमान और गुंडे होते हैं वही लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं। इससे बेहतर पोस्टमैन बन जाओ। बदलते हालात के साथ इंसान की जरूरतें भी बदल जाती हैं, लेकिन उसे सच्चाई का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और चाहे कोई कितना भी कुछ कर ले, आपका साथ और मेरा साथ कभी नहीं तोड़ पाएगा। सुना है इस बार में टिकट ही नहीं मिला, तो ये नौटंकी क्यों? सीएम पे दबाव डालने के लिए कर रहे होंगे। चाहे कितने भी विघ्न आए, पर जीत हमारी ही होगी। और मेरी जीत का श्रेय जाएगा आप लोगों को और मेरे निष्ठावान पार्टी के सदस्यों को। मैं यहाँ दो निष्ठावान मेहनती पार्टी वर्कर्स का सम्मान करना चाहूंगा। वो सिर्फ मेरे साथी नहीं बल्कि मेरे दो प्रमुख स्तंभ हैं। मैं इन दोनों को एक एक सोने का चेन भेंट करना चाहूंगा। उनके नाम हैं कुमार केशवन और तिलक हारी मुरुगन। घनश्याम पांडे जी भ्रष्ट नेताओं जैसे बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ आपका हित और आपका विकास चाहते हैं, और वो ये पाके रहेंगे अपनी पूरी जिंदगी। अगर उन्हें किसी बात की चिंता रही है तो वो आपके उज्जवल भविष्य की। और न जाने इतना बड़ा नेता कैसे एसएससी में 3 बार फेल होकर फेलियर की हैट्रिक करता है। इन्होंने मुझे ये जो चेन दी है। बस करना, मुझे भी चांस दे। आप आगे का भाषण मेरा दोस्त देगा। आज सोने की चेन ने हमें हमारे कर्तव्य का, हमारी जिम्मेदारी का, आपके प्रति हमारे दायित्व का एहसास करा दिया। आज ये चेन उस बूढ़ी माँ को देना चाहेंगे जो अपनी कुंवारी बेटी की शादी करने जा रही है। जल्दी से मंच पे आ जाइए काकी। आइए आइए। जय हिंद जय हिंद। पांडे जी, आज आपने जो किया वो गलत था। इतने सालों से हम आपके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इनाम कल के लौंडों को मिला, ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हुई। उन दोनों ने खुद को मिली हुई चेन उस बूढ़ी औरत को पहना दी। देखना हमें सिंपथी वोट मिलेंगे। अरे उनके साथ साथ हमारी भी पब्लिसिटी हो गई। हमारी पार्टी के लिए अगर तुम ये काम पहले किए होते तो जीवन में बहुत आगे बढ़ गए होते। सोने का भाव क्या चल रहा है पता है क्या? हाल तुम्हें बुढ़िया को चेन दे दी। इस भीड़ को देख रहा है, कम से कम 4,000 लोग होंगे, एक ही झटके में हजारों वोट आ गए। सिर्फ उस बुढ़िया को और उसके लालची समधी को पता चलेगा कि चेन नकली है।
नकली है क्या? कितने की है? सिर्फ 350 रुपए की है। बदनाम भी होंगे तो पांडे जी होंगे। सर मैं जानता हूँ उन्होंने किस मकसद से उस बुढ़िया को चेन दी। आप देख लेना वो लोग टिकट मांगेंगे। तो दे दूंगा क्या? इतने सालों से राजनीति में घास नहीं काटी है। उन्होंने हमारा इस्तेमाल नहीं किया बल्कि गेम हमने खेला है। बोलो डियर। तुम्हें तो मेरी याद बिल्कुल नहीं आती। अरे फैन भूल सकता हूँ, फोन भूल सकता हूँ, खाना भूल सकता हूँ, पर तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तुम्हारा चेहरा डीपी की तरह हमेशा आंखों के सामने रहता है। सांस भी लेता हूँ ना तो तुम्हारा ही नाम निकलता है। अच्छा कहाँ पे हो इस वक्त? तुम्हारे ससुर के घर में। ये सब क्या है? बताया तो था आपको, रोज जेरोक्स की दुकान में जाके इसकी फोटोकॉपी उतारता है। जेरोक्स की दुकान? बेटी इसकी 100 कॉपी निकाल दोगी? मेरा बेटा घर से भाग गया है। वैसे क्या तुमने इसे कभी देखा है बेटा? नहीं अंकल, लेकिन बात क्या हो गई? घर से क्यों भागा? वही प्यार का चक्कर। कहीं ये मुझे फंसा कर तो नहीं भाग गया? अच्छा बेटा एक कॉपी मैं तुम्हारी दुकान के बाहर चिपका दूं? आइला स्टेशन मास्टर, ये तो मेरा ही सिग्नल डाउन कर देगा। बाय डैडी। अंकल आपकी बेटी की शक्ल उससे कितनी मिलती है? तुम्हें भी ऐसा लगा? हाँ। ये क्या अंकल, यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर में आपने मेरा नंबर दे दिया है। वो तुम्हीं से तो प्यार करता है ना। क्या तुम सच में इसे नहीं जानती? ये उसी गुमशुदा का फोन है। वो लकी है या तुम अलकी पता नहीं, वो बुरा नहीं है पर उसके बिगड़े दोस्तों का क्या करें। वो कंबक केसन उसकी लाइफ बर्बाद करने पे तुला है। थोड़ा मुश्किल है, अगर उनकी दोस्ती का सिग्नल डाउन हो जाए तो तुम्हारी लाइफ लाइन क्लियर हो जाएगी। अगर तुम सफल हो गई ना तो मैं खुद आऊंगा तुम्हारे पापा से मिलने। इफ यू डोंट माइंड जस्ट गिव मी योर फादर फोन नंबर। तुम जैसे बेरोजगार से अपनी बेटी की शादी कैसे कर सकता हूँ? अंकल शायद आपको मेरी काबिलियत पे भरोसा नहीं है, पर आपकी बेटी को पूरा विश्वास है वो किसी तरह मुझे पाल लेगी। हाँ? इसकी कमाई काफी होगी। बकवास मत करो। इसने बताया कि तुम पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो। ऑलरेडी बता चुकी हो। बिल्कुल सही, मिनिस्टर बनूंगा और जब बन गया ना तब आपकी बेटी को रानी की तरह रखूंगा। जानना चाहोगे मैंने पैर कैसे खोया? बताइए ना, सैड स्टोरी सुनने में मजा आता है। यकीन करोगे मैं तुम्हारे जैसा था, पॉलिटिक्स में क्रांति लाना चाहता था लेकिन एक रैली में अपनी एक टांग खो दी। मैं पॉलिटिक्स के खिलाफ नहीं हूँ, हाँ लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम इलेक्शन जीते तो ही तुम्हारी शादी होगी। अपनी टांग कटवा सकते हो, सिंपति के वोट्स मिलेंगे। इसका सिर्फ नाम बेबी नहीं है, हमेशा से मेरी बेबी है। पीछे देखो, इसकी बचपन की लिखी बातें दीवार से नहीं मिटाई मैंने। पेंट के पैसे बचाने का अच्छा बहाना है। अरे मान गया आपके प्यार को सच में। अब एक आखिरी बात, इलेक्शन जीतने के बाद ही इस घर में कदम रखना। जैसा आपका अंकल, मुर्गन दोनों पैरों से घर में एंटर करेगा या लड़खड़ाते हुए बाहर से गुजरेगा, जल्दी देखेंगे हम लोग। भैया जी मीटिंग अटेंड करके सीधे आपको फोन कर रहा हूँ। आपका नाम लेते ही उन्होंने मुझे इलेक्शन का टिकट दे दिया। वार्ड नंबर 23 तुम्हारा और तुम्हारे लिए 24, ठीक है? सिर्फ इसलिए कि पूरा खंबा पीके तुम खंबे की तरह खड़े रहते हो। क्या लगता है इलेक्शन इसी तरह जीता जाता है? तालियों का बहुत शौक है? इलेक्शन लड़ना हलवा है का है? उच्चैन वाली बात पर हमारा माथा ठनक गया। पर आप ही ने भाषण में कहा कि नई पीढ़ी को आगे लाना है, पार्टी में जवान खून चाहिए। सुना नहीं कभी कोई नेता अपना वादा पूरा नहीं किया? तुम्हारे लिए पार्टी में कोनो जगह नहीं, चलो फुटो। ऐसा है तो वो शॉल वापस दे दो हमें। ले पहले भाग यहाँ से। इन्हें अलग करना हो सर तो दोनों में से एक को सीट दे दो, दोनों में दरार पड़ जाएगी और दुश्मनी हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं किया ना सर तो मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इनसे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए इनकी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ाकर इन्हें बिजी कर देता हूँ। जाओ बुलाओ जाओ। कब तक इनके एजेंट बने रहेंगे, हम अपनी पार्टी बनाते हैं। केशव मुर्गन पांडे जी ने बुलाया है। अरे आना सर, मारेंगे नहीं। सरकार शॉल ले लीजिए। ठीक है तुम ही पहनो। ठीक है थैंक यू।
मुझे याद आया मेरे लिए खूब तालियां बजाई थी तुमने। उसी वफादारी के लिए कुछ करना चाहता हूं, पर एक छोटी सी दिक्कत आ रही है। तुम दोनों में से सिर्फ एक को काउंसलर का टिकट दे सकता हूं। एक बात कहूं सर, इन दोनों में से लोग मुर्गन को ज्यादा पसंद करते हैं। नहीं सर, केशव तो भाषण देने में एकदम एक्सपर्ट है, टिकट इसे ही दे दीजिए। क्या कहना है केशव? पांडे जी, एक फोन कर सकता हूँ क्या? करो करो। पंडित जी, कल के लिए जरा एक शुभ मुहूर्त निकालिए ना, दरअसल इलेक्शन का फॉर्म भरना था। हाँ पंडित जी, मुर्गन चुनाव लड़ेगा। हा? और साथ में मैं भी फॉर्म भरूंगा। टिकट की जरूरत किसे है, हम निर्दलीय बनकर लड़ेंगे। सुबह 10:30 का मुहूर्त है, तभी फॉर्म भर देंगे। ए, चुपचाप टिकट ले लेना। समझ नहीं रहा क्या? ये हम दोनों के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। ना सीट से ना नोट से अलग नहीं होंगे, हम निर्दलीय बनकर जीतेंगे। चल चल के तैयारी करते हैं। ए, मैं भी डायलॉग मार के आता हूँ। पांडे जी, आपने हमारी दोस्ती तोड़ने की कोशिश की, हम आपकी पार्टी को तोड़ देंगे। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, देखते रहना, मजा आएगा। चल जा जा। ए, अरे देने की बजाय तो जाते जाते शाल भी ले गया। कोई टमाटर भी फेंकता है तो हम उसे सलाद समझकर खा जाता हूँ। पर ये दोनों तो बहुत बड़ा चक्कर चलाए हैं। मन तो कर रहा था कि यहीं पर दोनों का कचूमर बना दूं। ब्रिलियंट आइडिया यही था तुम्हारा? डोंट वरी सर, वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, हम उन्हें इलेक्शन में खड़े नहीं होने देंगे। आपको चैलेंज किया है, सबक तो सिखाएंगे। हाँ, लेकिन इस बार जरा ध्यान से। दोनों कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहे हैं। आप टेंशन मत लो सर, हम उनकी टांगे तोड़ देंगे। हमारे थोबड़ों की मासूमियत लोगों के दिल में असर कर रही है ना। हमारे लच्छेदार भाषण उन्हें फ्लैट कर देंगे, फ्लैट। वो पास के इलाकों से भीड़ बुला रहे, भाड़े पर भीड़ लाने में खुद सड़क पर आ जाएंगे। ए, तेरा बाप तुझे वोट नहीं डालेगा, और किसी से हम क्या उम्मीद रखे? सबसे कम वोट लाकर नाक कटवाएगा। बात सुन ले, अगर तू चुनाव लड़ेगा ना तो मित्र का बाप रिश्ता तोड़वा देगा। जा फाम वापस ले ले, जा। इलेक्शन के लिए मैंने मना किया था ना, फिर तुमने क्यों फॉर्म भरा? देखो, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। तुम इलेक्शन लड़ो, ये पापा को पसंद नहीं, नाम वापस ले लो। वो नहीं हो सकता। मैं अरे बाप रे, मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा। कौन सी मीटिंग है? पार्टी मीटिंग। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जीतते ही बाप के बाद तुझे अरेस्ट करवाऊंगा। तुम नहीं जाओगे, मेरा ऑर्डर है। केशवान, ए चल जाना। हाय जंप है। सुपर। रुकने को कहा, रुके क्यों नहीं? हाँ, ओ तो किसी के गुलाम नहीं हो। हाँ, तुम लड़की हो ये सोचकर तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा हूँ। चलाना, ईंट मार दूंगा। तुम जानती नहीं हो इस एरिया का कितना बड़ा गुंडा हूँ मैं। फेंको डंडा, चल फेंक। तुम मुझे मारने वाले थे? मैं तो बस एक फाइनल ट्राई मार रही थी, तुम्हारे अलावा और किस पे हक जता सकती हूँ? मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, 1000 times sorry। मजाक करने के लिए पब्लिक प्लेस ही मिली थी क्या? लोगों के सामने लिमिट में रहो। आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। माफ किया, पैर पड़ने की जरूरत नहीं है। सॉरी, वेरी सॉरी। अब बोल, हैंड्स अप, बेटर। मैं तेरे पैर पड़ू? हाँ, क्या कहा था? मुझे लिमिट में रहना चाहिए। हाँ, अब तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। मुझे अब अपने अंदर के गुंडे को जगाना ही पड़ेगा। अरे देखो ना, मेरी गलती नहीं है, ये सब इसने किया। मेरे को पता था लड़के के चक्कर में एक दिन पिटेगा ये। अब देखो कैसे दुम दुमा के भाग रहा है। मुझे मार रहा है। आया मजा।
जान जाए परवा नहीं, इज्जत नहीं जानी चाहिए। बोल तो सही रहा। सबसे पहले तो तू सांप को दूध पिला के पाला, लेकिन वो तो सांप है, डसेगा ही ना, अब रो के क्या फायदा? बताओ मित्रा का बाप अब कहाँ मिलेगा? अंकल आंटी कैसी है? उससे शादी करेगा? नहीं नहीं नहीं, मतलब ऐसे वाइफ कैसी है? हमारी शादी से पहले वो शांत और शर्मीली थी, मानो गूंगी और बहरी हो। और करंट पोजीशन? मेरी ही बोलती बंद हो चुकी है। और आपकी बेटी मित्रा? अरे मेरी बेटी तो हीरा है। सच बताइए, उसमें पागलपन का कीड़ा है ना? अपनी झूठी कसम खा लेता, लेकिन इस समय झूठ नहीं बोलूंगा। जब भी मुझे मिलती है तो मुझे पकड़कर धोती रहती है, ये नॉर्मल होता है क्या? और मारने से पहले पहिए की तरह आंखें घुमाती है, कहीं भी बंदर की तरह छलांग लगाती है, कैसे? क्या उसने मारा तुम्हें? हाँ और क्या। मारना तो छोटी बात है, जान लेने वाली थी। ये मिल्खा सिंह से भी तेज दौड़ के भागा, नहीं भागा होता तो आपके सामने बैठा नहीं होता। वैसे कितनी बार मारा? दो या तीन बार। फिर तो तुम अभी मेरे से बहुत पीछे हो। शादी से लेकर अब तक मैं 450 बार पिट चुका हूँ। आपको 450 बार मारा है? उसके बाद की गिनती मैं भूल गया। मित्रा बहुत धीरे मारती है, और उसकी माँ वो बहुत बड़ी पहलवान है, खली ने उसी से ट्रेनिंग ली है। मारने से पहले 10 फुट ऊंची छलांग लगाती है। मम्मी बचाओ! तुम्हारी बीबी तुमको धोती है? वाओ, माँ अजी पण माँ बेटी डेंजर है। अरे उसे छोड़ो, इसे उठाओ और अपना गम मिटाओ। मारपीट करने का कीड़ा तो मेरी सास के अंदर भी था। रिवर्स किक मारने में एक्सपर्ट, लेकिन मैं उनके सामने कुछ नहीं कर सकता। अरे शर्म आनी चाहिए, आप उन्हें सुधार नहीं सकते क्या? अरे उनके परिवार की परंपरा है, सदियों से चली आ रही है। मेरी सास मारती थी, उनकी माँ और उनकी माँ की माँ कराटे एक्सपर्ट थी। फैमिली तो पहलवानों की है। जाने किसका श्राप लगा था, काश ये बात शादी से पहले पता होती। आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जब तुम पहली बार घर आए थे मैं समझ गया कि तुम तो उसे हैंडल कर ही लोगे। अब तुम आए हो तो मैं चिंता मुक्त हो गया। जरा से हमारे लिए भी रखो। क्या यार, ये भी कोई लाइफ है? देखो बेटा, याद रखना जोड़ियां ऊपर से बन के आती है, यही हमारा नसीब है। मर्द को दर्द होता है तो पीने का सहारा लेता है। और औरतें क्या करती हैं? अपने पतियों की पिटाई। ये बेवड़ा काम और प्रवचन देने वाला बाबा ज्यादा लग रहा है। नहीं, पहले बाप से पीड़ित और शादी के बाद बीवी से। यार उसकी बात का निचोड़ यह है कि अनजान देवी से अच्छी पहचान वाली डायन होती है, पर दिलाए गधी पे तो परी क्या चीज है। मैं तो तेरे आने वाले कल की सोच रहा हूँ, कितनी हड्डियां टूटने वाली है तेरी, कुछ पता नहीं। एक काम कर यार, सेफ्टी के लिए ना कराटे सीख ले, और ज्यादा सेफ्टी चाहिए तो कुंग फू भी। बैठे बैठे भविष्य की प्लानिंग कर रहे हो, और उधर तुम्हारे फ्यूचर को अंधेरे में ढकेलने के प्लान हो रहा है। तू अकेला केशव नहीं है, उधर भी बहुत केशव है। मनी केशव, कुमार केशव, गौरव केशव, और जानता है मुर्गन कितने? स्वामी मुर्गन, नारायण मुर्गन, पट्टीदार मुर्गन, झोपड़ीदार मुर्गन, इतने सारे मुर्गन। हाँ तो और क्या, वो लोग तो शहर में अपने पोस्टर भी चिपका रहे हैं। ये देख इधर, नाम चेक करते। ये देख, ये यहाँ पे देख। मैंने बोला था ना, अरे इधर और भी मुर्गन है। अभी केशव देख कितने मिलेंगे, मनी केशव, गौरव केशव। अरे केशव तेरा नाम तो लिस्ट में है ही नहीं। वेरिफिकेशन के लिए तुम वहाँ मौजूद नहीं थे, इसलिए टिकट नहीं मिला। शायद तुमने डिस्क्वालिफिकेशन के सारे क्राइटेरिया नहीं पढ़े। एज पर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जेल जाने वाले चुनाव नहीं लड़ सकते। जाके FIR लिखवा दे। तो कम से कम आने वाले 6 सालों के लिए तुम क्वालिफाई नहीं कर सकते। रूल्स के मुताबिक अगर तुमने पुलिस से वेरीफाइड एफिडेविट जमा करवाया होता तो शायद हम कुछ कर सकते थे, लेकिन अब देर हो चुकी है, इसलिए मैं चाहकर भी तुम्हारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सॉरी। ये मेरी इस हालत के जिम्मेदार है। केशव अगर तू चुनाव नहीं लड़ेगा तो मैं भी नहीं लड़ूंगा। हेलो। हाँ मित्रा, मैंने तुम्हारी बात पर बहुत सोचा, तुम्हारी बात नहीं टाल सकता, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ये सिर्फ तुम्हारे लिए है और हमारे प्यार के लिए। थैंक्स डार्लिंग, थैंक यू सो मच। ओके बाय। तू तो इलेक्शन लड़े बिना ही पॉलिटिशियन बन गया। ए, तू इलेक्शन लड़ेगा और हम तुझे जिताएंगे। इसे रखो और मेरे लिए इलेक्शन जीतना। जीतोगे ना? तुम देवी हो। ओवर एक्टिंग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। डायलॉग मारना सीख गई। सच कह रहा है? अच्छा। अरे प्रॉब्लम झाली रे, अपना चिन्ह शंख था ना। हाँ तो क्या हुआ?
तो बाकी के जितने मुर्गे थे ना, बोले तो स्वामी मुर्गन, नारायण मुर्गन, वो जो लोग भी थे ना, एक एक मुर्गे को चुनाव में बस शंकिच बजाने का है। अरे बाप रे, अब अपन क्या करेंगे यार? अरे छोड़, अब वो लॉटरी से तय कर लेंगे। तिलकधारी मुर्गन को शंख चिन्ह। पहली बार खड़े हुए हो क्या? हाँ सर। बाहर जाके जश्न मनाओ। पहली बार अपने लिए वोट मांग रहे हैं, एकदम इमोशनल कर डालने का उन लोग को। हमारे प्यारे दोस्तों, आपसे बात करने से ज्यादा हमारे लिए कोई जरूरी काम नहीं है। अगर जीते तो डिस्काउंट पे दारू दिलवाएंगे, और सिर्फ दारू ही नहीं, बोनस में चकना भी दिया जाएगा। बस वोट डालने होश में आना और शंख पर मोहर लगाना। के पोस्टर फड़वा दो। वोटिंग के लिए यूएस से अपने फ्रेंड्स को बुलवाऊं क्या? पर वो यूएस से आएंगे? हम उनके आने जाने के टिकट करवा देंगे। अच्छा, पैसा पानी की तरह बह रहा है। अगर काउंसलर नहीं बनाना तो पक्का भिखारी तो बनी जाऊंगा। इसकी चूड़ियां गिरवी रखें। अरे नकली है रे। इधर है तू, बहुत दिन से हमने महफिल जमाई ही नहीं, शाम को मिलता है? अरे तू भूल गया, मैं अभी उधर नहीं रहता, कैसे मिलेंगे शाम को? हाँ तो सही है, मुर्गन काउंसलर इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, आने जाने का भाड़ा उसकी तरफ से, आके बस वोट डाल दे। इस बार वोट डालने के लिए आ जाओ ना, आखिर वो तुम्हारी जीजा जी है। आपका वोट हमारे लिए बहुत अमूल्य है। हे, मैं जिसके लिए बोलूँ वोट उसी को देना। हेलो, सुनो, 15 वोट कंफर्म हो गए। पक्का वोट देंगे ना? पर इन सबको ट्रीट देनी होगी। उसके लिए अपना फाइनेंसर है ना, हो जाएगा। एक अच्छी खबर सुनो, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में सबकी जहन और जुबान पर शंख का चिन्ह छाया हुआ है। हर तरफ से अच्छे रिपोर्ट आ रहे हैं, हमारा जीतना तो पक्का है। ये तो अच्छी बात है ना। पूरे वार्ड में वोट मांगे, एक एक चौखट पे माथा टेका है। कल को अगर अपने साथ कुछ बुरा हुआ तो हमसे ज्यादा उन लोगों का दिल टूट जाएगा। अच्छा, अगर मान लो कल को हमारा कोई पार्टी वर्कर अचानक से मर जाए। अचानक मौत? हाँ। ये काम तू कर सकता है। मेरी तरफ मत देख, 10 दिन पहले डेड बनाऊ, डेड नहीं होना इतनी जल्दी। टेंशन मत ले, ये पीना ठंडा हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, इलेक्शन खत्म होने तक तेरे हाथ से ना कुछ पियूंगा ना खाऊंगा। अरे तगड़ू, वो तो भाग गया। बाकी के कहाँ हैं? ये क्या इतनी जल्दी ऑफिस जा रहे? वोट डाल के ऑफिस जाऊंगा। बूथ तो खुलने दो। पहुंचते तक खुल जाएंगे, बेटे को वोट डालने जा रहा हूँ, तुम भी आ जाना पीछे पीछे। ए, ये बस पोलिंग बूथ जा रही है, चलो सब लोग इसी में। क्यों रे, हम लोग तेरी बस में काई को जाए तो निकल। नहीं आना तो मत आओ, जाओ फिर ऑटो में, खर्च करो पैसा। ऑटो से चले जाएंगे पर किसी का एहसान नहीं चाहिए। ए, ऑटो में 500 रुपए लग जाएंगे, ये लिफ्ट दे रहा है तो चलो ना। अरे रास्ते में पैसे मांगेगा तो क्या करेंगे? ए, रुको रुको रुको, चलो सब लोग। उन्होंने पैसे मांगे तो ये क्या रे, वोटिंग बूथ के बजाय मैरिज हॉल में काई को ले आया? यार मैंने तो शादी वाले कपड़े भी नहीं पहने। ये लोग भारतीय है क्या? इलेक्शन में जनता हमारी दुलाई करे उससे पहले ही तुम लोग आ गए। ये चल उठ के भाई, चल सोने आया है क्या? अपने कुछ फायदा नहीं है इन लोग का यार। ए, क्या डर रहा है, हम स्टार नेता है, 15 वोट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से बैठ जाओ, हम ही जीतेंगे। फंस गया यार। हमारे वार्ड के लोग वोट डाल रहे होंगे ना। हेलो शेरू, शंख के चिन्ह पर मोहर लगाई कि नहीं? अभी नहीं, उसी की तैयारी चालू है। ठीक है ठीक है, लगे रहो लगे रहो, एक बस थोड़ा बियर पी रहे। ए, टाइट होने से पहले जाकर वोट डाल देना। बैठ गए तो खत्म करके जाएंगे। नशे में गलत चिन्ह पर मोहर ना लगा दें। अरे यार अभी भी टाइम है, इलेक्शन का चक्कर छोड़ दे। ए, कल तक मुर्गन क्या था, लेकिन आज इसकी एक पहचान है, सब जानते हैं इसे। ना मेहनत करनी है, ना करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, जब तक जिएगा ठाट से जिएगा। कुछ दिन पहले तक वार्ड के कुत्ते भी इस पर भौंकते नहीं थे, लेकिन अब राजा हो जाएगा। हाँ, हमेशा 4-5 चमचों से घेरा लूंगा, बड़ा सा शानदार घर, चमचमाती लाल बत्ती वाली गाड़ी, अपने नाम की गलियां, रोड, पंचायत ऑफिस हो या पुलिस स्टेशन, हर जगह लोग मुझे सलाम ठोकेंगे, हाईवे पर बैनर लगेंगे, नाम पैसा शोहरत सब एक झटके में अपना हो जाएगा।
अरे कर लिया अपना नुकसान, उन्हें किडनैप कर लिया जो वैसे भी मुझे वोट देने वाले नहीं थे। अरे अपने पार्टी के सपोर्टर को यहाँ पर क्यों ले आए? हेलो, ए क्या गेम खेल रहा है तू? मेरे माँ बाप को किडनैप करने किसने बोला था? क्या रे शाना बन रहा है क्या तू? 5,000 दे के अपोजिशन के कैंडिडेट को किडनैप करवाया और अपोजिशन ने 10,000 दिया तेरी फैमिली के किडनैप का। धीरे धीरे तेरे सारे वोटर पहुंचेंगे वहां। ए सुन सुन, ए कुछ लफड़ा हो गया क्या? देख जैसा तुम लोग सोच रहे हो अपोजिशन ने किडनैपिंग नहीं करवाई है, मैंने करवाई है। क्या तूने कहीं को करवाया? अरे उस दिन तुमने कहा था ना सिंपथी से ज्यादा वोट्स मिलते हैं, सोचा हमारे साथ कुछ हुआ तो इल्जाम अपोजिशन पर लगेगा, लोग उन्हें कम वोट देंगे, फिर 3 बजे निकलकर हम भी अपने वोट डाल देंगे। hey, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? hey, केशव अच्छी चाल चली है तूने, फोन पे बात करते सुन लिया था। अगर मैं चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता ना तो मुर्गन को भी फिर मैं जीतने नहीं दूंगा। अंकल मेरी जगह कोई और होता तो शायद आपकी ये बात मान लेता, लेकिन हमारे बीच अगर भगवान भी आ जाए तब भी मैं केशव से दोस्ती नहीं तोड़ूंगा। मेरी कॉलोनी, पीछे वाली कॉलोनी, बगल वाली कॉलोनी सब मिलाकर हुए। केशव अपनी जीत कंफर्म है? हारना कंफर्म्ड है। ए जीत कंफर्म्ड है, तुझे सुनाई नहीं देता है क्या? लेकिन तेरे को इतना गारंटी कैसे? अरे स्कूल में एग्जाम देने से पहले मार्क्स कैलकुलेट कर लिया करता था, जितना सोचता था उतने ही मार्क्स आते थे। तो 10th में फेल कैसे हो गया? कैलकुलेशन के हिसाब से 100 में से 12 मार्क्स ही मिले। कैलकुलेशन के बिना भी फेल ही होता तू। आज भी फेल ही होने वाला है। अबे जा, मेरी गिनती के हिसाब से 45,000 वोट मिलेंगे। हे, अपने इलाके में तो लोग ही सिर्फ 35,000 है, भूल गया क्या? What's going on? On नहीं, सब कुछ off है। लो, आगे और बाराती। मेरे को हार का रिजल्ट दिख रहा है। ए, मुरुगन ही जीतेगा। सच में 95% वोट अपने हैं। कैलकुलेट कर चुका हूँ मैं। बेबी स्माइल करो, हम जीतेंगे। पापा ने कहा है हम हारने वाले हैं। हाय, हे भगवान फूटी किस्मत मेरी। बोल शेरू। यार तू काय को इलेक्शन के लफड़े में पड़ा, मैं तेरे को वोट नहीं डालेगा। अरे माफ कर दो भाई, बस एक काम था। बात यह है कि ऑपोजिशन ने हमें और हमारे परिवार को बंदी बनाया है, ये बात शहर में फैला दो और किसी तरह हमें श्रीनिवास मैरिज हॉल से निकाल लो यार। साथ में दारू चखना लाए, चल रख। जाने या फिर अनजाने में हम सब अपने अपने परिवार के साथ इधर फंस चुके हैं, वो भी एक मैरिज हॉल में। तो इधर तुम लोग सगाई की रस्म कर लो ना, टाइम और पैसा दोनों बचेगा। आई से डोंट टॉक। अंकल आपकी शक्ल पे इंग्लिश मैच नहीं होती। हे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता सोचना। मस्त लाइफ है, आज तो अपन दारू में पूरा ना लिया। सुरक्षा का प्रबंध होते हुए इलेक्शन कमीशन ने सारे बूथ ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाई। चुनाव के परिणाम का क्या होगा ये कुछ नहीं कह सकते। सुन अपन जीतने वाले हैं ये तो कंफर्म है, तो ये वोट गिन के टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं यार? मेरे को लगता है ना कि उन लोगों को नाइट ड्यूटी का डबल पैसा मिलता रहेगा इसलिए। लाइफ में सिर्फ इंसान का मरना फिक्स है। हेलो बेब्स। मुर्गन इस वक्त कहाँ हो तुम? स्कूल के बाहर ही हूँ, कल तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं। कोई बैलेट बॉक्स को बदल ना दे इसलिए यहाँ निगरानी कर रहा हूँ। आज बहुत ठंड है, अपना ख्याल रखना। ठंड हो या तूफान आए काम तो करना पड़ेगा ना। चल मैं चलता हूँ, ट्रेन आने का टाइम हो गया, कल जाइए, तशरीफ ले जाइए। एक्सक्यूज मी, बीड़ी मिलेगी क्या? जहर है, पिएगा? नहीं चाहिए, वो तो भी पियो। अबे उठ, नींद कैसे आ रही है? जागने के वक्त तू सो कैसे सकता है? अरे इधर जाग के करेंगे भी क्या? उन्होंने बॉक्सेस की अदला बदली कर दी तो? मैं बोल रहा हूँ अपनी पार्टी जीतने वाली है। अरे यार नींद आ रही है। लेफ्ट राइट अबाउट टर्न, जब तक सपना ना हो पूरा कोशिश ना छोड़ू कोई अधूरा। सिंद्रू बेबी। अबे उठ, चल उठ जा, रात को जागना है तो योगासन करते हैं, मैं सिखाता हूँ। यही बाकी था। इस तरह पैर मोड़ के बैठो, उसके बाद आंखें बंद करके नाक से सांस लेनी है और मुंह से सांस धीरे धीरे छोड़ देनी है। योगा करूँ ना करूँ तेरा हारना तो नक्की है। जो कह रहा है वो कर। इस मुद्रा में हम सबका भविष्य दिखाई दे रहा है मेरे को। क्या दिख रहा है तुझे? तेरी जमानत जब्त हो रही है। उल्टी बात किया तो पेड़ पे उल्टा लटका दूंगा। चुनाव के नतीजे किसी भी वक्त अपना होने की संभावना है।
हेलो काउंसलर तिलकधारी मुर्गन बोल रहा हूँ। हेलो रिजल्ट आया? आ जाएगा, तुम बस आरती लेके स्वागत के लिए तैयार रहना। पापा बहुत टेंशन में है। अच्छा, उनसे कहो कि मेरी टेंशन ना बढ़ाए। अपनी हार की न्यूज सुनने के लिए रात भर से बैठे हैं। ए, इन मनहूस लोगों पर ध्यान मत देना। क्या भाई लोग हार की न्यूज सुनने के लिए रात भर यहीं बैठे रहे? ए, तुम लोग टेंशन मत लो यार, हमें फर्स्ट नहीं आना है, बस पास होना है। सिर्फ पास होकर हम जीतेंगे कैसे? तू ही बता, आज तक किसी भी इलेक्शन में ऑपोजिशन आसानी से जीत पाई है क्या? उनका डिपॉजिट जब्त हो जाएगा, हमारा नहीं होगा। इलेक्शन में जीत या हार जरूरी नहीं होती, वोट का परसेंटेज क्या है वो जरूरी होता है। हार गया तो ससुर को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? उससे मिलने ही मत जाना। उसने मेरे लिए सारे जेवर गिरवी रखे थे पता है? क्या बात कर रहे हैं, लोग अपने घर तक गिरवी रख देते हैं। गहनों की बात कर, रिजल्ट कब आएगा? इलेक्शन का परिणाम आ चुका है। पहला स्वामी 17,554 वोट से जीत गए हैं। मुख्य स्वामी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत चुके हैं। वार्ड नंबर 24 के प्रत्याशी विशाल 2,455 वोटों से जीत चुके हैं और लीडिंग ऑपोजिशन के प्रत्याशी 4,650 वोटों से हार चुके हैं। हे, पांडे की पार्टी बहुत सीट हार गई। क्या हुआ? जमानत का पैसा जब्त हुआ है। क्या कहा, जमानत भी वापस नहीं मिलेगी? भगवान सुबह सुबह कोई अशुभ बात मत करना, देखना मेरा बेटा ही इलेक्शन जीतेगा। मेरे को पहले से पता था तुम हारोगे। अरे मार दे, भगा भगा, दहेज के जेवर पहले ही बिकवा दिए। जान से मार दूंगा। डिपॉजिट जब्त हो गया तो भी कोई बात नहीं, अब भी कुछ करेंगे। बड़ी बड़ी बातें करता है, पार्टी करेंगे। 25 साल पुराने मंजे हुए नेता भी इलेक्शन हार गए, हम तो फिर भी गेम में कच्चे खिलाड़ी हैं यार। कितने वोट मिले? ए, रुक जा, जवाब मत देना। मैं ये सोच लूंगा कि मैं कुछ ही वोट से हारा हूँ, गलत फहमी में खुश रहने दो। ए, मुझे पता है तुम लोग सब मनी मन मुझ पर हंस रहे हो। गर्लफ्रेंड खो दी मैंने, घर वालों के सामने इज्जत भी चली गई। उस दिन ऑफिस में आके पांडे जी को चैलेंज किया और आज हमारी हार पे हंस रहे हो? अरे मार कहीं तो रहे हो? छोड़ दो इसकी, बहुत छोड़ रहे थे। क्या किया मैंने? अरे मुझे नीचे उतारो। मेरी बीवी भी इससे ज्यादा मारती है भाई साहब। इस पेड़ का भला, आज इसी ने मेरी जान बचाई है। लाइन क्लियर है। साथ बैठ के दारू पीने से कोई अच्छा दोस्त नहीं बन जाता, साथ में मार भी खानी पड़ती है। अरे बाप रे, क्या है? पूरा एक घंटा मार खाई है, घड़ी उतार के चप्पल बांध दी है। ऐसी ऐसी जगह पर मारा है कि किसी को बता भी नहीं सकता। अब समझ आया, फेमस होने के लिए कपड़े भी फड़वाने पड़ते हैं। थांबा, ये कौन है? ये तेरी शर्ट का कॉलर है। जब तू मार खा रहा था ना, तो मेरे पैर के अंगूठे में फंस गया था। अबे दे, जले पे नमक मत छिड़क। हुआ, इलेक्शन में जमानत जब्त हो गई ना? हम तो जीत गए। बर्बाद है। कोई मेरी पीठ खुजा सकता है क्या? वो छोड़, लड़ाई में किसी की उंगली मेरे मुंह में फंस गई थी, गुस्से में कुत्ते की तरह काट खाया। उसकी उंगली तो नहीं टूटी लेकिन ऊपर से नीचे तक हिल गया होगा। एक बार फिर उसका हाथ हाथ आ जाए ना, तो उसकी उंगली उखाड़ के फेंक दूंगा। वो हाथ तुझे बचाने आया था,
वो मेरे हाथ की उंगली थी। अगर काटना ही चाहता था तो मगरमच्छ की तरह इतना जोर क्यों लगाया बे? सच बताऊं, तेरे खून में से दारू का टेस्ट आ रहा था, उसे छोड़ने का मन ही नहीं किया। तुम सब यहाँ हो? मार खा के भी इतना जोश में कैसे? अरे वोटों की गिनती हो गई है, पूछोगे नहीं कि क्या हुआ है? जीत गए क्या? बहुत वोट मिले हैं, 30 का सोचा था 35 मिल गए हैं। 35,000 वोट मिल गए? 1,000 में से 35। ये तो बहुत बुरी तरह हार गए। क्या यार, कहाँ था ना कितने वोट मिले मत बताना। अपन ने प्रचार किया वो भी गलत वार्ड में, बच्चों को दंडवत प्रणाम किया, आज तक ससुर के पैर नहीं छुए मैंने, बेचारा शादी के बाद से मेरे को पॉकेट मनी देता है, कितना ख्याल रखता है मेरा। सोचा था जीत के बाद उनके लिए कुछ करूंगा, इसलिए बैलेट बॉक्स बचाने के लिए मैं पूरा रात जागा, बैलेट बॉक्स चोरी हो जाता तो मेरे को इतना दुख नहीं होता। अब से मैं तुम्हारे साथ कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, तुम्हारे जीत की मेरे को कोई परवाह नहीं, छोड़ मुझे। कितने बड़े बड़े सपने देखे थे, वोटर लोग को थैंक यू बोलने के लिए हमने पूरे शहर में पोस्टर चिपकाए थे, इज्जत का ऐसा कचरा होएगा मैंने सोचा नहीं था, शायद ऊपर वाले को यही मंजूर है। यार अगले साल हम इलेक्शन जरूर जीतेंगे। अगली बार जिस दिन इलेक्शन का डेट डिक्लेयर होगा ना, तो मुझे सपोर्ट करेगा? हिमालय में भाग जाऊंगा। और क्या करेगा? बर्फ के गोले बनाऊंगा। अरे रुक, अभी तो रुक, देखना हमारी कमजोरी हमारी ताकत बनेगी। जानते हो एक महान नेता ने क्या कहा है, पहले अपनी पूरी जी जान लगा दो, उसके बाद भी अगर ना जीतो तो फिर उस हार का बिल्कुल भी गम ना करो। हमने कोशिश तो की। सही कह रहा है तू, पब्लिक कितना भी पढ़ लिख क्यों ना ले, जब इलेक्शन आता है तो कलेक्शन चाहिए, यही बैकवर्ड सोच हम जैसे नौजवानों को आगे बदलनी होगी। क्या क्रांतिकारी सोच है। क्रांति छोड़ो, घर वालों को क्या शक्ल दिखाओगे वो सोचो। मुर्गन क्या हुआ? जब घर वालों ने मुझे वोट नहीं डाला तो क्या होने वाला है? छी बेटा, इस स्याही का मतलब जानते हो? तुम्हारे लिए सबसे पहला वोट मेरा ही था, क्योंकि मुझे तुम्हारी जीत पे यकीन था। 4 साल पहले तूने कहा कि मैं दुबई जाके नौकरी करूंगा, 2 लाख दिए, लेकिन एजेंट धोखेबाज निकला। उसके बाद तुझे बिजनेस शुरू करने के लिए फिक्स डिपॉजिट तोड़वा के 3 लाख दिए, पर बिजनेस डूब गया और तूने यहाँ की लोकल कंपनी में जॉब किया। वो कंपनी भी 3 महीने के बाद बंद हो गई। अब पिछले 2 साल से तू पॉलिटिक्स में घुसा हुआ है। अब आगे के लिए कुछ सोचा है ताकि मैं तेरे लिए कुछ कर सकूं? तेरी जिम्मेदारी उठाना मेरा फर्ज है बेटा, लेकिन मेरी भी तो उम्र हो चुकी है, 5 मिनट से ज्यादा खड़ा होता हूं तो चक्कर आने लगते हैं बेटा। मेरे जीते जी तू कुछ कर जाए तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। माँ बाप का फर्ज होता है बच्चों को सही राह दिखाना। अब आगे तुझे जिंदगी में क्या करना है तू जाने। सोच समझकर फैसला करना। अगली बार इलेक्शन मैं ही जीतूंगा। पीछे हटो भाई, पीछे हटो, पीछे हटो। गिरने से उनकी मौत नहीं हुई, बेटे ने मार डाला। अगला नंबर मेरा है, भगवान दुश्मन को भी ऐसी औलाद ना दे। देखो कैसा बेशरम आई है, ए! अवारा की तरह लाइफ जी के अपनी जिंदगी तो नर्क बना ही दी है तूने, अब हम लोगों को तो कम से कम चैन से जीने दे।
देखना एक दिन अपनी सारी प्रॉपर्टी अनाथालय के नाम कर दूंगा मैं। जाइए, करोड़ों की मिल्कियत नहीं चाहिए आपकी। जहाँ मैं जाओ। मैं क्यों जाऊँ? मेरा घर है, तू निकल, तुझे घर आऊंगा। क्या कहा तूने? अपने बाप पे हाथ उठाएगा, मुझे मारेगा? देखिए मेरा दिमाग गर्म हो रहा है, अंदर जाइए। अरे बहुत देखे गर्म दिमाग वाले, हिम्मत है मारने की मुझे? आपका ये क्या कर रहा है तू? अपने बाप पे हाथ उठाता है? इसी दिन के लिए पैदा किया था तुझे, तू मर क्यों नहीं गया? चला जा यहाँ से। दिल छोटा मत कर। क्यों भाई, अभी बियर पियोगे ना तो खाली बोतल हमको दे देना। अच्छा सुनो, आज तक तुमने हमसे कितनी सारी बियर बोतल ली होंगी? अगर मैं कोई भंगार की दुकान खोल लूं तो जितनी बोतल मिलेंगी सीधा हमारी दुकान पर लाकर दे दोगे क्या? हाँ क्यों नहीं भैया। अंकल, आपकी सारी खाली बियर की बॉटल्स हमें दे देंगे तो उन्हें बेचकर हम कम से कम दो वक्त की रोटी कमा सकते हैं। ले जाना बेटा। हेलो, क्या हुआ, किसका फोन था? पापा की जगह मुझे रेलवे में नौकरी मिल रही है। ए, ये तो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। ए, अपना हाथ दे, खुश रह रे। बेटा इस नौकरी में बहुत ही जिम्मेदारी से काम करना होगा। उस दिन तुम्हारे पिताजी बेहोश नहीं हुए थे, पटरी के इतने करीब वो कभी नहीं गए थे। उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया था, उन्हें तुम्हारी नौकरी की चिंता थी और इसका सिर्फ एक ही तरीका था, रिटायरमेंट से पहले उनकी मौत हो जाए। इसीलिए वो जानबूझकर ट्रेन के सामने चले गए और अपनी जान दे दी। बेटा मरने के बाद भी वो सिर्फ तुम्हारी भलाई ही चाहते थे। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। मैं और सावित्री तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, चारों धाम। उसके बाद फॉरेन जाएंगे, मलेशिया और सिंगापुर जाने का भी प्लान कर लिया है। अब 3 महीने बाद फोन करना मुझे, वैसे व्हाट्सएप चालू रहेगा। आपने मुझे जो कर्जा दिया था ये उसका एडवांस है, पहली किश्त, बाकी का धीरे धीरे चुका दूंगा। तेरे इन कागजों की जरूरत नहीं है, वापस ले जाने। क्यों, अब पैसे लौटाना शुरू कर रहा हूँ तो ब्याज जोड़कर डायरी में लिखेंगे क्या? मुझे किसी से पैसे नहीं चाहिए, अपने अकाउंट में 7.5 करोड़ हैं। सावित्री और मेरी जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज थी वो सब कैश करवा ली है मैंने। अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे और जेवर भी बनवा लिए मैंने, हमारे लिए इतना काफी है। तुम्हें बता दूं कि मुझे बाप या पुरखों की जायदाद से एक भी पैसा नहीं मिला था, अपनी मेहनत से सब बनाया है। दरअसल मैं एक अनाथ था, मुझे मेरे चाचा ने 100 रुपयों के लिए किसी को भेज दिया था। 10 साल की उम्र में 10 सालों के लिए मैं बंधुआ मजदूर था, किसी तरह वहाँ से भागा। शादी के बाद भी सालों भुखमरी से लड़ता रहा, एक राशन की दुकान खोली जो नहीं चल पाई, और फिर उधार चुकाने के लिए वो दुकान बेचनी पड़ी। मदद करने वाला कोई नहीं था, फिर लोगों के घर सामान पहुँचाना शुरू किया। मेरे पास उस समय गाड़ी नहीं थी तो लोगों के घर में पैदल जाना पड़ता था, दिन भर में 50 किलोमीटर आना जाना। उसके बाद किसी तरह एक ढाबा शुरू किया जो काफी चल निकला, और मेरे घर चलाने वाले उसी होटल की तरफ तुमने झांकने से भी मना कर दिया। अब मैं उसे अकेले नहीं संभाल सकता, इसीलिए लीज पे दे दिया। वैसे तुझे डांट के मुझे सुकून नहीं मिलता, तुझे समझाता था ताकि तेरी लाइफ सुधर सके। पैसे ले जाइए। बचपन में जब भी तू रोता था तो मैं जोकर बन के तुझे हंसाने की कोशिश करता था,
लोग मेरी हरकतें देखकर मेरा मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन तू खुश होकर मुझे जोकर पापा बुलाया करता था। मुझे उसी में खुशी मिलती थी। मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए केशव, किसी तरह तेरी जिंदगी सही रास्ते पर आ जाए, बस इतना ही चाहता हूँ। तुझे लग रहा होगा कि मैं तुझे भाषण दे रहा हूँ, लेकिन ये सारे जज्बात इतने दिनों से मैंने अपने अंदर दबा के रखे हुए थे। इसमें से 100 रुपए निकाल के जाके दाल ले आ। अपनी माँ से कह के दाल राइस बनवा और खा ले। माँ के हाथ का बना खाना खाएगा तो चैन की नींद आएगी और मुझे भी तसल्ली मिलेगी। मैं तेरा बाप हूँ केशव, तेरा बुरा कभी नहीं चाहूंगा। कोई मुझे जोकर बोले, कॉमेडियन बोले, एक विलन बोले, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। इन पैसों से अपना बिजनेस बढ़ाना। गुड टाइम स्टार्ट। पापा पापा, घर आने में देर होगी, इंतजार मत करना। तुम लोग खाना वाना खा लेना। अपनी दारू बिल्कुल बंद। सही बोल रहा है यार तू। कसम खाओ। क्या मित्रा कभी ठीक नहीं हो सकती? पहले बात अलग थी क्योंकि मैं बेरोजगार था, इसीलिए मार खा लेता था, पर अब मैं बहुत बड़ा कबाड़ी हूँ। ये आज भी हाई जंप मार के पब्लिक में घूसे जमा देती है। कब तक हाथ पैर तुड़वाते रहूंगा? क्यों मित्रा? रेलवे यूनियन का इलेक्शन जीत गए हो, मुबारक हो। बेबी, मुझे शुरू से ही पता था कि पापा मुझे अपना दामाद बना लेंगे। कैसे? बस पता था मुझे। बताओ ना कैसे। अरे डायरेक्टर ने जब स्क्रिप्ट सुनाई तो मैंने ही कहा था शादी करने वाला एंगल जोड़ दो। पर डायरेक्टर ने मुझसे तो कहा था कि क्लाइमेक्स में तुम पागल हो जाओगे। हाँ, अच्छा वो तुमसे कोई पागल ही शादी करेगा ना, इसलिए ऐसा कहा होगा। माय डियर बेबी, मुझे बेबी कब दोगी? अभी ट्राई करेंगे। सामान अनलोड कर दिया ना? क्या बोला, आदमी नहीं है? तेरा बाप किधर है? अरे अभी तो बुढ़ा रिटायर हो गया ना, तो बिजनेस में मेरी हेल्प नहीं कर सकता है क्या? हां, कल सुबह उसको दुकान पे भेज दे। खुद ही उनसे बोल देना ना। प्यार जता रही है। ये सुन, एक बुढ़ा आएगा उसको पकड़ के काम करवा, ठीक है ना? दामाद जी, टिफिन लेके जाऊँ ना? क्या ससुर जी, मेरी बातें सुन रहे थे क्या? आदत से मजबूर हूँ। अरे दिन में कितनी बार फोन करोगी? कह दिया ना एक बार कि खाना खा लूंगा, बार बार फोन करके पूछती रहती हो खाना खाया या नहीं। तुम चुपचाप टिफिन भेजो। अरे बस कर भाई, कितना बात करता है तू? तेरे घर की बात में पूरे धंधे की वाट लग रही है ना, जब देखो चटर पटर। आप 25 साल में अपने बेटे को सुधार नहीं पाई, मैंने 2 साल में सुधार दिया है। हाँ हाँ हाँ, रहने दे, और 2 साल में 20 साल का राशन खा गई, उसका क्या करूँ मैं? ओहो, कितने ताने मारती है आप। बंद करो, लाल झंडा देख के तो ट्रेन भी रुक जाती है। चल काम पे जा। तुम कभी शादी मत करना, हो पछताओगी। देखो पापा आ रहे हैं। सीरियल से ज्यादा तो घर में ड्रामा है। बेबी एंड बेबी कंपनी में जाओ, पापा की तरह खुश रहा करो, रोना मत वरना मम्मी जैसी शक्ल हो जाएगी। तुमसे तो बेहतर ही है मेरी शक्ल। इस बार वोट के इलेक्शन में जीत हुई है कुमार केशवन की। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 15,000 वोटों से हराया है। बाकी सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो चुकी है।